स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। 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 बोलो सद्गुरुदेव की जय। कृष्ण कन्हैयालाल की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। धियं सदा परिभवज्ञ अभीष्टतोऽहं तीर्थास्पदं शिव विरञ्जनतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाविभूतम्। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम्। बोलो कृष्ण कन्हैयालाल की जय। सद्गुरुदेव की जय। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यांधकारापहा। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिता वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदान
शारदा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आत्मीय स्वजनों, सत्कर्म परिवार के तत्वावधान में कैडिला फार्मास्यूटिकल्स परिवार द्वारा आयोजित अविरत बहती ये ज्ञान गंगा एक बिल्कुल अद्भुत नया सा विषय और अति आवश्यक विषय लेकर के हम इस बार सत्संग करना चाहते हैं। मेरे प्रिय मेरे आत्मीय डॉक्टर राजीव भाई मोदी का ये जो प्रकल्प है अपने माता पिता सदगत इंद्रवदन भाई और शीला बहन मोदी के पुण्य स्मरण में आरंभ हमने वैश्विक सामूहिक श्रीमद् भागवत कथा से किया। तत्पश्चात हमने शिव पुराण की मात्र प्रथम संहिता पूरा शिव पुराण का दर्शन करना बाकी है। विद्येश्वर संहिता का चिंतन किया। उसके बाद गणेशोत्सव के पवित्र दिनों में हमने गणेश पुराण का अध्ययन किया। नवरात्रि के शक्ति उपासना के पर्व में हमने देवी भागवत के प्रथम 3 स्कंधों का दर्शन किया। वो भी शेष ग्रंथ बाकी है, करेंगे अवश्य। पूज्य श्री भाई चैनल पर आप लोगों की कई कमेंट्स आती है कि वो कब होंगे देवी भागवत के आगे के स्कंध, वो भी होगा। पिछले महीने नवंबर में आदरणीय सदगत इंद्रवदन भाई मोदी की पुण्यतिथि के पर्व पर हमने भगवद गीता का एक एक अध्याय जो बरसों से करते आए हैं हमने 8वें अध्याय का दर्शन किया। अब इस मास में प्रिय स्वजनों आइए ब्रह्म विद्या जीवन विद्या जिसे कहते हैं ऐसा उपनिषदिक साहित्य और उसमें भी
अत्यंत अनूठा, अत्यंत अलौकिक, अत्यंत विलक्षण ऐसे ईशावास्य उपनिषद का दर्शन हम करना चाहते हैं। ईशावास्य उपनिषद के विषय में प्रवेश करें उससे पहले आइए हम इसका पाठ करें। यहां जो मेरे सम्मुख बैठे हैं उनके पास पुस्तक है, आप सभी के लिए प्रिय स्वजनों, विश्व भर में जो आप पूज्य श्री भाई चैनल के द्वारा इसका ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, स्क्रीन के ऊपर हमारे मीडिया टीम वो मंत्र रखते जाएगी, आप स्क्रीन को देख करके मंत्र का उच्चार करें। एक एक चरण मैं बोलूंगा, आप उसे दोहराएंगे। हरि ओम, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। ॐ शांति शांति शांति। ईशावास्यमिदं सर्वम् ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किञ्च जगत् त्यां जगत् यत्किञ्च जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा। मा गृदः कस्य स्विद्धनम् मा गृदः कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः जिजीविषेच्छतं समः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति। न कर्म लिप्यते नरे न कर्म लिप्यते नरे असुरिया नामते लोका असुरिया नामते लोका अंधेन तमसावृतः तांस्ते प्रीत्याभिगच्छन्ति तांस्ते प्रीत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनः ये केचात्महनो जनः अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति तदे जति तन्ने जति तदे जति तन्ने जति त
तद्दूरे तदवंतिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानम् ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूद् विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः सपर्यगात् शुक्रमकायमव्रणम् अस्नावीरं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभुस्वयंभुः याथा तथ्यतोर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः अन्धं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य उविद्यायां रतः अन्यदेवाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचचक्षिरे विद्याञ्चाविद्याञ्च यस्तद्वेदोभयंसः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते अंधं तमः प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो य उ संभुत्याम्रतः अन्यदेवाहुः संभवात् अन्यदाहुरसंभवात्
इति शुश्रुम धीराणाम् येनस्तद् विचचक्षिरे संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये पूषन्नेकर्षे यमसूर्य प्राजापत्यव्यूहरश्मीन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि वायुरनिलममृतमथेदम् भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 ॐ शान्ति 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 प्रिय स्वजनों एक विचारक ने बहुत सुंदर कहा है साहित्य दो प्रकार का होता है समकालीन साहित्य और सर्वकालीन साहित्य समकालीन कॉन्टेम्पररी एंड सर्वकालीन
एवर, हमेशा के लिए, परमानेंट जिसे आप कह सको। समकालीन साहित्य वो है जो वर्तमान परिस्थिति के ऊपर कुछ चिंतन करके विचारकों ने, कवियों ने, साहित्यकारों ने सृजन किया। कंटेम्पररी है, नया है। और दूसरा प्रकार जो साहित्य का वो है, वो सर्वकालीन है, उसे समय के बंधन नहीं नड़ते। समकालीन साहित्य वर्तमान घटनाओं के ऊपर किसी का मनोगत प्रकट किया हुआ है। समकालीन साहित्य मनोरंजन करता है, मानव संवेदनाओं को प्रकट करता है, सुख, दुख, प्रेम, आक्रोश, व्यथा, वेदना, ये सब प्रकट करता है, विरह, मिलन, जो भी संवेदनाएं, ये समकालीन साहित्य है। सर्वकालीन साहित्य को केवल मनोरंजन से संबंध नहीं है, सर्वकालीन साहित्य किसी विचक्षण व्यक्ति के मनोमंथन से प्रकट हुआ है, और उसका हेतु है जीवात्मा को परमात्मा की उपलब्धि कराना। भारतीय संस्कृति में, उसमें भी आध्यात्मिक साहित्य में, उपनिषद, वेद, ये सब सर्वकालीन साहित्य है। इनकी रचना होते हुए हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी मानव मन को, मानव बुद्धि को, मानव चेतना को यह दिव्य साहित्य की उतनी ही आवश्यकता है जितनी अतीत में थी, और उतनी ही आवश्यकता भविष्य में रहेगी जितनी वर्तमान में है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, इन मंत्रों की, इन ज्ञान की आवश्यकता मानव को अधिक से अधिक पढ़ने वाली है। कई इसके दृष्टांत हैं, कई इसके प्रमाण हैं। प्रिय स्वजनों, सबसे पहले तो इसका परिचय पाने का हम प्रयास करें। जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं, वैदिक साहित्य, एक कोशी जीव में से बहुकोशी जीव हुए, जल में रहने वाले जीवों से धीरे धीरे सरीसृप हुए, एम्फीबियंस, पहले एक्वेटिक थे, जीव की उत्पत्ति जल में हुई है, इसलिए जल का एक शब्द अर्थ संस्कृत में है जलम जीवनम। जल से फिर धीरे धीरे पेट घसीट कर चलने वाले सरीसृप, एम्फीबियंस आए, जो जल में भी रह सकते थे, आसपास की भूमि पर भी रह सकते थे। फिर धीरे धीरे जल को छोड़कर केवल भूमि पर रहने वाले, ये जैसे मैंने कहा पेट को घसीट कर चलने वाले सरीसृप पशु आए, फिर खेचर आए, आकाश में उड़ने वाले पंछियों की योनि आई। इस तरफ जो सरीसृप थे वो धीरे धीरे विकसित होते हुए चतुष्पाद बनने लगे, चार पैरों वाले। सरीसृप में कई सारे हैं, सेंटीपेड 100 पैरों वाला भी है, कान खजूरो, सेंटीपेड 100 पैर होते हैं उसको। लेकिन उसमें से फिर धीरे धीरे 6 पैर वाले तो बहुत सारे जंतु आपने देखे हैं, 4 पैर वाले आते गए, और उनमें से फिर मैं बहुत ब्रॉड एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, वानर, और वानर में से फिर होमो सेपियन, मानव की उत्पत्ति हुई। प्रागैतिहासिक मानव रहा, प्रीहिस्टोरिक ह्यूमन बीइंग,
जो पशु से थोड़ा सा ही अलग था, अधिक नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसकी बुद्धि का विकास होता गया, शरीर का विकास होता गया, और फिर पशु की बुद्धि और मानव की बुद्धि में इतना बड़ा फासला होता गया, इतना बड़ा अंतर बढ़ता गया। मानव केवल अपने बारे में न सोचकर अपने परिवार के बारे में, समाज के बारे में सोचने लगा, केवल अपने इस वर्तमान जीवन के बारे में न सोचकर अतीत में क्या था वो भी उसको याद आने लगा, और भविष्य कैसा बनाना चाहिए उसके बारे में भी मनुष्य चिंतन करने लगा, और उसमें भी श्रेष्ठ चिंतन करने वाले, परोपकार की भावना से, कल्याण की भावना से, केवल चिंतन करना नहीं लेकिन उस पर आचरण करना, अन्यों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना, ऐसे कार्य करने वाला एक पूरा ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मण समाज निर्माण हुआ, ऋषि तैयार हुए, जो केवल एक जन्म की नहीं सोचते थे, जन्म जन्मांतर की सोचते थे। उन्होंने मानव जीवन के रहस्यों को समझा, वर्तमान स्थिति में यदि मनुष्य है तो वो क्यों है, जीवन में सुख आया तो क्यों आया, और ये क्या किया जाए ताकि ये सुख की मात्रा बढ़ती रहे, जीवन में यदि दुख आया तो क्यों आया, और क्या किया जाए ताकि दुख की मात्रा कम होती रहे, और उससे भी आगे बढ़कर सुख और दुख दोनों से पर ऐसे आनंद की अनुभूति, और वो भी स्थिर चिरंतन कैसे हो, इसके बारे में ऋषियों ने चिंतन किया प्रकृति के सानिध्य में रहकर। और वो जो पूरा साहित्य उन्होंने अपनी अनुभूतियों का प्रकट किया, उसमें सबसे पहले आता है वेद। प्रिय सज्जनों, मॉडर्न रिसर्च साइंटिस्ट भी जो है पश्चिम की यूनिवर्सिटियों में स्वयं जिन्होंने अध्ययन किया है, अध्यापन करा रहे हैं, दे आर टीचर्स एट द सेम टाइम दे आर रिसर्च स्कॉलर्स, वे इस बात का स्वीकार करते हैं कि समग्र सृष्टि में सबसे प्रथम जिसको ज्ञान कहा जाए और उस ज्ञान को अभिव्यक्त करना, यह भारतीय संस्कृति में हुआ है। हम भारतीयों को गौरव लेने जैसी बात। अभी अभी कुछ दिन पहले मैं कोई ऐसा संशोधन आया जिसमें देख रहा था कि पहले सारी पृथ्वी जलमय थी, लेकिन जो सबसे पहला भूमिखंड, भूखंड बाहर आया और सबसे पहला सीशोर बना होगा, जहां पर सबसे पहले सृष्टि का आरंभ हुआ, जल के सिवा पृथ्वी का आरंभ हुआ, भूखंड द अर्थ एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ दिखाई पड़ी, जमीन दिखाई पड़ी, वो भारत में थी। उसकी फोटो भी कुछ इंटरनेट में आई। सबसे पहली उत्पत्ति भारत खंड में हुई, आर्यावर्त में हुई है। तो वेल, हमारे ऋषियों ने तो ग्रंथों में लिख कर रखा है, वराह अवतार जो हुआ, समग्र पृथ्वी जल में डूबी हुई थी और भगवान वराह अपने मुंह पर उसको लेकर के आए हैं। अब विज्ञान ने भी इस बात को सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी प्रकट जो हुई पानी में से, भारत खंड में हुई है। खैर, ज्ञान जो प्रथम प्रकट हुआ वो वेद है। लोग कहते हैं वेद की पूजा करो, वेद के ग्रंथ कर। वस्तुतः वेद शब्द का ही अर्थ है ज्ञान। विद, ज्ञाने धातु में से वेद शब्द की व्युत्पत्ति होती है। वेत्येन सवेद, जिससे ईश्वर को जाना जा सकता है, जिससे अपने मूल
और विशुद्ध स्वरूप को जाना जा सकता है उसे कहते हैं वेद। विद धातु के और भी कई अर्थ हैं, विद सत्तायाम, विद लाभे, विद विचारणे, तो ये सभी अर्थों का यदि समन्वय करें तो जिससे मनुष्य सभी सत्य विद्याओं को, इटर्नल शाश्वत ज्ञान को जान सकता है, जिससे ये सारी विद्याएं पाई जा सकती हैं और जिससे ये सारी विद्याओं का चिंतन करके, विचार करके मनुष्य विद्वान बनता है, ज्ञानी बनता है, उसे वेद कहते हैं। इसलिए वेद ये आत्मज्ञान है, वेद ये अध्यात्म ज्ञान है, वेद ये पराविद्या है। वेद के लिए आमनाय, आगम, श्रुति इत्यादि अलग अलग शब्द प्रचलित हैं। श्रुति इसलिए वेद का जो साहित्य है वो भी पूरा श्रुति साहित्य कहलाता है। श्रुति इसलिए कि हजारों वर्ष पहले जब वेद प्राप्त हुए, एक बात तो ये समझ लेना, वेद किसी एक व्यक्ति का लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है। दूसरी बात, अन्य साहित्य प्रकारों में कोई कविता हो, कोई गजल शायरी हो या तो नाट्य, हमेशा वो रचना होने के बाद लेखक अंतिम पंक्ति में या तो अपना नाम लिखता है कि ये मैंने बनाया। वेद के किसी भी मंत्र में, किसी भी सूक्त में उसके ऋषि का नाम नहीं है। हमें संशोधन करके प्रकट करना पड़ता है कि ये वेद, ये ऋचा, ये सूक्त किस ऋषि ने प्रकट किया। क्यों? क्योंकि ऋषियों का ये स्पष्ट दर्शन है, हमने ये मंत्र लिखे नहीं है, हमें परमात्मा की ओर से ये मंत्र प्राप्त हुए हैं। ऋषि जब समाधि अवस्था में थे, डीप मेडिटेटिव स्टेट, इन द स्टेट ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस, वह गहन समाधि की अवस्था में परम चेतना के द्वारा यह ज्ञान ऋषियों को प्रसादी के रूप में दिया गया है, अनुग्रह के रूप में दिया गया है, और उसे पाकर के ऋषियों को इतना आनंद हुआ। ऋषि परोपकारी तो थे ही, उन्होंने सोचा कि हमने इतना पुरुषार्थ करके, इतनी समाधि अवस्था में पहुंचकर, इतनी साधना करके जो ज्ञान पाया है, क्या वो ज्ञान हमारे इस शरीर के साथ लुप्त हो जाएगा? ये ज्ञान तो मानव जाति के लिए हमें छोड़ना चाहिए, उन सभी को सिर्फ बांटना चाहिए। ऋषियों ने ये ज्ञान अपने शिष्यों को दिया। प्रिंटिंग प्रेस तो उस समय में थे नहीं, लिखने का शास्त्र था लेकिन बहुत कम उसका उपयोग होता था। वेद कैसे टिके? करणोपकरण टिके हैं, श्रुति परंपरा से टिके हैं, अर्थात गुरु इन मंत्रों को अपने शिष्यों को कंठस्थ कराते थे। गुरु जब उच्चार करते, शिष्य ध्यान से सुनते उसको। कोई एकावधानी शिष्य होते थे, इतने विचक्षण स्मृति शक्ति उनकी कि एक बार सुनकर उनको याद रह जाता था मंत्र। जिसने एक बार सुनकर याद रख लिया वो दूसरे शिष्यों को सुनाता, तो उनमें से कोई द्विअवधानी रहते जिसको दो बार सुनकर याद रह जाता, फिर वो कहता मुझे याद रह गया, वो फिर से खड़ा होकर बोलता, तीसरे को याद रह जाता, चौथे को, ऐसे अधिक से अधिक लोगों, और ये बार बार स्मरण करते रहते। प्रिय स्वजनों, ब्राह्मण की महिमा केवल इसलिए नहीं है कि वो भगवान की पूजा करते हैं, ब्राह्मण की महिमा इसलिए है कि ये समग्र वैदिक साहित्य को ब्राह्मणों ने पीढ़ी दर पीढ़ी कंठस्थ करके
अपने पितरों से सुनकर, बड़े बुजुर्गों से सुनकर कंठस्थ किया, याद रखा, जीवन भर उसका आवर्तन करते रहे। नहीं तो इस विद्या के बारे में कहा जाता है त्रिपाक्षिक विद्या है, तीन पक्ष तक अर्थात 45 दिन तक, डेढ़ महीने तक यदि इसका आवर्तन न करो तो भूल जाते हो। ये आपका भी तो अनुभव है ना। कई लोग कहते हैं कथा श्रवण करने आते हैं ना तो बहुत सब याद रह जाता है एकदम, और इतना अच्छा लगता है, वाह वाह कैसी सुंदर सुंदर बातें सुनी है। लेकिन घर जाते हैं फिर दो दिन पांच दिन हफ्ता भर हो जाए, फिर पता नहीं याद नहीं आता क्या सुना था, क्योंकि ये विद्या त्रिपाक्षिक विद्या। यदि इसका आवर्तन न करो आप, यदि इसका पाठ न करते रहो, यदि इसका पारायण न करते रहो तो विस्मृति तो स्वाभाविक है। इसलिए कुछ लोग प्रवचन सुनने आते हैं ना तो नोट पैड लेकर आते हैं, लिखते रहते हैं, अपनी नोट्स बनाते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। और अभी तो समय आ गया डिजिटल युग, तो अब नोट पेन की आवश्यकता न रही। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब चैनल है पूज्य श्री भाई, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जब आपके मन की इच्छा हुई ईशावासीय उपनिषद सुनना है चले जाओ सुन सकते हो, आधा घंटा एक घंटा जितना भी समय है सुन लिया, फिर दूसरे दिन इच्छा हुई फिर से श्रवण करो, कोई बात समझ में नहीं आई रिवाइंड करके वापस उसको सुनते रहो। तो ये भी प्रभु की कृपा है प्रिय स्वजनों, कि ज्ञान इतनी सरलता से उपलब्ध हो रहा है और उपलब्ध कराना चाहिए। एक बड़ी प्यारी सी कहानी मेरी दादी माँ सुनाती थी, और एक्चुअली ये डांग विस्तार जो है गुजरात में जंगल है आदिवासी विस्तार, वहां के आदिवासियों में ये कहानी प्रचलित है, वहां के आदिवासी ये कहानी बताते हैं। और ये भी श्रुति साहित्य है, आदिवासी भी पीढ़ियों से ये कहानी, क्योंकि उनमें कोई लिख के रखने की प्रथा तो है नहीं, उनको भी वो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते आए हैं और सुनाते आए हैं। किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, अंतिम संस्कार हुआ, जो भी करना था सब हो गया, पत्नी को स्वाभाविक दुख तो था कि अपने पति को खोया है, और उम्र बहुत बड़ी नहीं थी, 40 के आसपास का होगा वो युवक जिसकी मृत्यु हो गई। उसका बेटा था 40-45 का, जो पिता मर गया तो बेटा 20-21-22 साल का। वो मां से पूछता, मां पिताजी कहां गए? तो मां कहती कि उनका निधन हो गया। निधन हो गया अर्थात कहां गए? तो मां कहती कि भाई भगवान के पास गए। वहां भोजन क्या करते होंगे? वो युवक भोजन करने बैठे और उसको अपने पिताजी का स्मरण आ जाए, मेरे पिताजी भोजन क्या करते होंगे? उनको तो केवल ये बाजरे की या ज्वारी की रोटी पसंद थी, पता नहीं वहां मिलती होगी नहीं मिलती होगी वहां भगवान के वहां। जिद पकड़ ली उसने, मैं मेरे पिताजी को भोजन देने के आता हूं, भगवान के पास जाऊंगा पिताजी को के लिए ये भोजन दे रहे।
अब ये तो आज के इस समय में है, इसलिए मैं कहता हूँ 20-22 साल का। कहानी में तो बात ऐसी है कि वो लड़का 10-12 साल का था, और मैं 20-22 क्यों किया वो भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा। मूल कहानी तो 10-12 वर्ष का बालक कह रहा है, उसमें 10-12 वर्ष का। माँ ने शुरुआत में तो रोका अपने पुत्र को कि बेटा कहाँ जाओगे? मैं भगवान के पास जाऊंगा। रोटी एक कपड़े के अंदर बांध के गठरी जैसी बना करके अपने पिता को रोटी देने चला है। वो रास्ते में जा रहा था, एक राजा का महल आया। बालक ने वो महल जो देखा, अब आदिवासी उसका हम महल अर्थात वो 2 मंजिला इमारत होगी, वो देखा। नया व्यक्ति कोई आकर के ये मकान को महल को देख रहा है, ये सुना तो कौन है ऐसा आदमी यहां पर? चौकीदार उसको सीधे पकड़ करके राजा के पास ले गए। ये बहुत समय से ऐसे खड़े हुए महल को देख रहा था। राजा ने पूछा कौन हो तुम? उसने अपना परिचय दिया, यहां क्यों आए हो? उसने कहा मैं यहां नहीं आया, मुझे तो घर भगवान के घर जाना है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये शायद हमारे सबके झोपड़ी वाले जो घर है उससे थोड़ा अलग है, तो शायद भगवान का तो घर नहीं है, इसलिए मैं देख रहा था। राजा को आश्चर्य लगा इस बालक की बात सुनकर, भगवान के घर जा रहे हो? हां, क्यों? मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है, वो क्या भोजन करते होंगे, तो ये बाजरे की रोटी लेकर दे, उनको देने के लिए जा रहा हूं। राजा ने इस बालक की आंखों में जो श्रद्धा देखी, चमक देखी, उसको लगता है कि ये बालक ऐसा है कि मैं पहुंच जाऊंगा भगवान के वहां। राजा ने उस बालक से कहा कि बेटा भगवान के वहां जाते हो, मेरी शुभकामनाएं तुम्हें, मेरी ओर से एक बात पूछोगे भगवान को? क्या? कहते मैंने ये महल जो बनाया है 2 मंजिल वाला तो बनाया है, 3री मंजिल मुझे और ऊपर एक बनानी है, लेकिन पता नहीं बना नहीं सकता हूं, कोशिश करता हूं, अच्छे अच्छे कारीगरों को बुलाता हूं, 3री मंजिल ऊपर जैसे ही बनाता हूं टूट जाती है, गिर जाती है, रहती ही नहीं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, जरा भगवान से पूछ लेना। उसने कहा ठीक, निकला आगे, और थोड़ी यात्रा की, दोपहर की धूप थी, एक आम का वृक्ष देखा, उसने उस आम के वृक्ष के नीचे विश्राम किया, चलने लगा तो आम के वृक्ष ने पूछा कि कहां जा रहे हो? इसने कहा भगवान के पास जा रहा हूं। अच्छा, आम के वृक्ष ने कहा मेरा एक प्रश्न पूछोगे भगवान से? क्या? मेरे इस वृक्ष के ऊपर, मुझ पर आम के फल लगते हैं, लेकिन पकने से पहले ही सारी जो आम है वो सड़ जाते हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे फल कोई खाए, वो मिठास का आनंद ले, उसको तृप्ति मिले, लेकिन वो मिलती नहीं है, पेड़ के ऊपर ही पकने के पहले फल सड़ जाते हैं, सब व्यर्थ चला जाता है, ये क्यों होता है जरा भगवान से पूछोगे? उसने कहा ठीक है पूछ लूंगा, और आगे चला। अब भगवान के वहां पहुंचना था, उसके पहले एक नदी आई, नदी को पार करना था, कैसे जाए सोच रहा था, उसने देखा कि एक मगरमच्छ, उसका शरीर नदी में, मुंह ऐसे बाहर पड़ा हुआ है, बड़ा सा मगरमच्छ। उसने जाकर के उस मगरमच्छ से कहा कि भैया एक काम है आपका। क्या? मुझे नदी पार करा दो ना, मैं आपके ऊपर बैठ जाऊंगा। मगरमच्छ ने कहा मुझे ऐसे पूछने वाले लोग तो कभी आते नहीं, मुझसे तो दूर रहते हैं, और ये इतनी हिम्मत से चला आया मेरे पास में,
मगरमच्छ ने पूछा क्या कहाँ जाना है तुझे? तो भगवान के पास जाना है। क्यों भगवान के पास? मेरे पिताजी भोजन क्या करते होंगे, मेरे पिताजी के लिए कुछ भोजन लेकर जा रहा हूं, बाजरे की रोटी। मगरमच्छ के मन में भी दया आई, उसने कहा ठीक है बैठ जा मेरे ऊपर। अपने ऊपर मगरमच्छ ने उसको बिठा दिया, नदी पार करा दी। वो जब जा रहा था मगरमच्छ ने कहा मेरा एक प्रश्न पूछोगे क्या? मैं हमेशा पानी में रहता हूं, पानी तो ठंडा है, शीतल जल है, लेकिन मेरे भीतर हमेशा जलन रहती है, आग सी बनी रहती है मेरे शरीर में, मुझे शांति कब मिलेगी? मेरी ओर से भगवान को ये पूछ लेना। उसने कहा ठीक पूछ लूंगा। कहानी बहुत सुंदर है। अल्टीमेटली ये बालक पहुंचता है भगवान के वहां, अपने पिता से मिलता है, रोटी खिलाता है, और जब वो लौटता है वापस तो भगवान को प्रणाम करके जब निकलता है उसको याद आता है ये तीन लोगों के भी बारे में पूछना है मुझे। तो कहता है भगवान जी ये तीन प्रश्न हैं, और भगवान ने उत्तर भी दिया। उत्तर लेकर वो चला। नदी के उसी किनारे पर मगरमच्छ प्रतीक्षा करता था इस बालक की। जब आया मगरमच्छ ने कहा बैठ जा मेरी पीठ पर, मैं तुम्हें सामने किनारे पर पहुंचा दूं। बैठ गया, सामने किनारे पहुंचा। मगरमच्छ ने पूछा मेरे प्रश्न का उत्तर तुम लाए हो? उसने कहा हाँ लाया हूं, क्या है? वो बालक कहता है भगवान जी ने कहा कि तुम पिछले जन्म में एक विद्वान ज्ञानी ब्राह्मण थे, लेकिन तुमने अपना ज्ञान किसी को दिया नहीं, इसलिए वो ज्ञान तो अग्नि के समान है, तुम्हारे भीतर ही रह गया। क्योंकि तुमने ज्ञान को बांटा नहीं इसलिए वो अग्नि की जलन तुम्हें परेशान कर रही है। ज्ञान तो बांटना चाहिए। मगरमच्छ ने कहा ठहर, अभी मैं तुझे दे दूं, ज्ञान तो बहुत है मेरे पास। मगरमच्छ ने उस बालक को ज्ञान दिया। वहां से आगे चला, वो आम का वृक्ष भी उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। विश्राम किया आम के वृक्ष के नीचे, और आम ने पूछा मेरे प्रश्न का उत्तर। कहता है पूछा मैंने भगवान जी से, बताया है प्रभु ने कि तुम जहां पर खड़े हो पेड़ बनकर, वहां नीचे सुवर्ण मोहरों से भरा हुआ एक घड़ा है। वो संपत्ति किसी काम की नहीं है, किसी के काम में आ नहीं रही है, तुम उसको पकड़ के बैठे हो। यदि वो संपत्ति दे दोगे तो तुम्हारे आम मीठे आना शुरू हो जाएंगे, पकना शुरू हो जाएंगे। तो आम के पेड़ ने कहा भाई प्रतीक्षा किस बात की, तू ही खोद के निकाल ले। तो उसने वो सुवर्ण मोहरों का भरा हुआ घड़ा खोद कर निकाल लिया। आम के वृक्ष ने कहा ले जा, मुझे तो किसी काम की है नहीं ये सुवर्ण मोहर। मगरमच्छ के पास से ज्ञान, आम के वृक्ष के पास से वो सुवर्ण मोहर राजा के पास पहुंचा। राजा ने पूछा मेरे प्रश्न का उत्तर, मेरी तीसरी मंजिल क्यों नहीं बन रही है? वो बालक कहता है भगवान ने कहा तुम्हारी एक पुत्री है राजकुमारी, उसकी इच्छा है विवाह करने की, लेकिन तुम उसको विवाह करने उसका विवाह करा नहीं रहे हो। यदि तुम उसका विवाह कर दो तो तुम्हारा महल ऊंचा बन जाएगा। राजकुमार ने कहा अच्छा। राजा ने कहा हाँ। राजा ने कहा ठहर, तुम्हारे जैसा युवक कहां मिलेगा मुझे? मगरमच्छ के पास से तुम ज्ञान पाकर आए, सबसे पहले तो भगवान का दर्शन करके आए हो, ज्ञान पाए हो, सुवर्ण मोहर की संपत्ति भी तुम्हारे पास है, मेरी पुत्री का विवाह भी तुम कर उसके साथ तुम कर लो।
पुत्री से ब्याह कराया राजा ने। ज्ञान, धन और पत्नी तीनों को लेकर के ही बालक अपने घर आया। आदिवासी पूछते हैं, प्रिय स्वजनों, इस कथा से सीखने जैसा क्या है? ये प्रसंग से अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ना मॉरल ऑफ द स्टोरी, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, पूछूं आपसे प्रश्न। तो इस कहानी से, इस कथा से बोधपाठ क्या प्राप्त होता है, मॉरल ऑफ द स्टोरी? शर्मिला पहले आप बताओ। जय श्री कृष्ण भाई। जय श्री कृष्ण। पहले तो उस बालक का दृढ़ निश्चय था कि उसे भगवान को मिलना ही है और अपने पिताजी को वो खाना पहुंचाना है, और रास्ते में सबके प्रश्न वो उठाते गया। वहाँ जाके भगवान को उसने सब प्रश्न पूछे और उसको जवाब भी मिला, और आते वक्त सबके जवाब देते हुए वो आया, और साथ में उसको ज्ञान भी मिला और जो धन भी मिला। और ये तो मैंने आप कविता कथा मुझे सुना रही हो, फिर से कहानी, हमें सीखने क्या है वो बताइए। उसका दृढ़ निश्चय, उसका दृढ़ निश्चय सीखने मिला। शैला, ज्ञान को बांटना चाहिए, पहले बात ये है, ज्ञान को बांटना चाहिए और संपत्ति को दान देना चाहिए, संपत्ति का दान देना, ठीक है, संपत्ति का दान देना चाहिए। और कुछ? ठीक। आलोक भाई, विश्वास समझ में आया भाई जी, कि विश्वास था उसको कि ईश्वर के पास पहुंचूंगा, विश्वास और श्रद्धा। ठीक। वैना मधु, इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति। और कोई? योगेश जी प्रणाम। सभी इसमें उत्तर जो है वो सभी सही है, कोई ना कोई गलत बात तो किसी ने बताई नहीं है। इच्छा शक्ति भी है, विल पावर, निश्चय, और जैसा शर्मिला ने कहा कि उसका जो सद्भावना है, मेरे पिताजी क्या भोजन करते होंगे, उनके प्रति आदर, कि मैं भोजन लेके जाऊं उनके लिए। और बाद में जो कहा शैला ने, शायद ये प्रवचन में कहीं पहले मैंने कहा है, वो सुना है उसने, तो बहुत साल पहले मैंने कहीं पर एक ये प्रवचन में कहानी बताई थी, क्योंकि उत्तर जो उसने आया वो मुझे पता चल गया है चीटिंग हुई है। पहले सुने हुए उत्तर आए हैं, लेकिन उत्तर दिए वो सही उत्तर दिए उसने। तीन बोधपाठ इसमें से हमें मिलते हैं। एक, ज्ञान को बांटना चाहिए मगरमच्छ के पास। दूसरा, आम के वृक्ष के नीचे जो था संपत्ति को भी इकट्ठा करके रखना, या ईशावास्य उपनिषद के प्रथम मंत्र में ही ऋषि कहेंगे तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग करके इसका उपयोग करो, ये बताएंगे ऋषि। और तीसरी बात जो है, राजकुमारी को उसकी विवाह की इच्छा है, फिर भी राजा अपनी पुत्री की इच्छा को समझ नहीं पा रहा है। शरीर में कुछ आवेग हैं, शरीर की कुछ आवश्यकताएं हैं, और प्रकृति अपना काम कर रही है, तो प्रकृति सहजता से जो कुछ कार्य करती है उस सहजता को रोकना, ये प्रकृति की विरुद्ध की बात है। उस सहजता को अपने आप प्रकट होने देना चाहिए, उसको अपना मार्ग दिखा देना चाहिए। ये तीन बातें इसमें से समझने जैसी है। क्यों मुझे याद आई ये घटना, कि ऋषियों को जो मंत्र, जो ज्ञान प्राप्त हुए, ऋषियों ने उस ज्ञान को बांटा,
पीढ़ियों तक बांटा, संभाले रखा, ये पूरे ब्राह्मण वर्ग ने संभाले रखा। आज मैं केवल भारतीय समाज की, केवल हिंदू धर्मावलंबियों की बात नहीं कर रहा हूं, सनातन संस्कृति के संतानों की बात नहीं कर रहा हूं, समग्र मनुष्य जाति जो पृथ्वी पर है, इतना विकास यदि मानव ने किया है तो उसका श्रेय वेदों को जाता है। केवल भूपेंद्र भाई पंड्या ये बात कहें तो उनको उनका विरोध करना आपका अधिकार है, बात को न स्वीकार करना वो भी आपका अधिकार है, लेकिन समग्र विश्व के बुद्धिमान वर्ग ये स्वीकार करता है कि ज्ञान का आरंभ भारत की ऋषियों की प्रज्ञा से हुआ है, और उसका आधार लेकर के फिर विश्व में दूसरे कई लोगों ने, हम उनको नकार नहीं सकते, वी कैन नॉट डिस्काउंट, वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड। और कई देशों में कई बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हुए, वैज्ञानिक हुए, लेकिन आरंभ बिंदु ये भारत की भूमि से प्रकट हुआ वैदिक साहित्य। श्रुति साहित्य, वेद छंदोबद्ध है, दे आर इन मीटर, दे आर इन पोएटिक, इसलिए वेद को छंद भी कहते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने छंद शब्द का प्रयोग 2-3 बार किया है। एक तो अति प्रसिद्ध 15वां अध्याय पहला ही श्लोक, ऊर्ध्वमूलमधःशाखं अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि। 15वें अध्याय का पहला श्लोक लिख के रखो उधर, छन्दांसि यस्य पर्णानि, ये जो अश्वत्थ वृक्ष है सृष्टि का, उसके पत्ते जो है वो छंद है, वेद है। इसके पहले 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं, अर्जुन मैं ये ज्ञान तुझे जो दे रहा हूं वह ज्ञान ऋषिभिर् बहुधा गीतम छंदोभिर् विविधै पृथक। 13वें अध्याय का 4वां श्लोक, भगवान श्री कृष्ण की यह नम्रता है कि अर्जुन ये ज्ञान मैं जो दे रहा हूं वो मेरा है, ऐसा नहीं है, इस भूमि के पवित्र ऋषियों ने यह ज्ञान हमेशा से समाज को दिया है। ऋषि भीर बहुधा गीतम, ऋषियों ने बहुत बार इस ज्ञान को गाया, छंदो भीर विविध ही पृथक छंद, वेदों में भी अलग अलग रूप में यही ज्ञान प्रकट किया गया है। ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतु मद भीर विनिश्चितैः, तो छंद वेद को छंद भी कहा है। आरंभ में तो केवल एक वेद था, लेकिन वो कठिन पढ़ने लगा, महर्षि व्यास ने वेद को 4 में विभाजित किया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, उसमें अभी जो प्राप्त होते हैं 1028 सूक्त प्राप्त होते हैं, और कुल 10 मंडल या तो 8 अष्टक में बांटा गया है ऋग्वेद, उसके कुल 10,580 मंत्र हैं ऋग्वेद के। यजुर्वेद, उसके 2 विभाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। पहले तो 101 शाखाएं थी, अभी कृष्ण यजुर्वेद की 3 शाखाएं और शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं उपलब्ध हैं।
शुक्लयजुर्वेद की जो दो शाखाएं, एक काण्व शाखा है और दूसरी वाजसनेयी शाखा है। मेरा जन्म शुक्लयजुर्वेद की वाजसनेयी शाखा में हुआ। हमारा जो परिवार है वो सभी को अपने अपना वेद, अपनी शाखा, प्रवर भी याद होने चाहिए। जब भी संध्या करता हूं मैं, तो उसमें संकल्प में बोलता हूं, शुक्लयजुर्वेदांतर्गत वाजसनेयी शाखाध्यायी त्रिप्रवरान्वितः पुरुषोत्तमात्मज भूपेन्द्र शर्माहम् भो आचार्य त्वाम अभिवादयामि। वेद के शाखा के साथ परिचय दिया जाता है। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं और वाजसनेयी संहिता में 1900 मंत्र हैं। कृष्ण यजुर्वेद में 7 कांड हैं और 1800 मंत्र हैं। सामवेद उसमें अपने अलग से मंत्र बहुत कम हैं, केवल 75 मंत्र ऐसे हैं जो सामवेद के अपने हैं। सामवेद में अधिकतर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, कुछ मंत्र यजुर्वेद से भी लिए गए हैं, लेकिन साम जो है वो गान है। साम का अर्थ ही होता है विघ्नों का नाश करके देवों को जो प्रसन्न करे वो गान, उसे कहा जाता है साम। उसके कुल मंत्र 1549 है, 1549 मंत्र सामवेद में है। अथर्ववेद विषय की दृष्टि से देखें तो अन्य वेदों से थोड़ा अलग है। उसमें लाइफ के जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स हैं, शिल्प शास्त्र हैं, वास्तु शास्त्र हैं, ऐसे सब विद्याएं अधिक हैं। उसमें 20 कांड हैं, 6000 जितने मंत्र हैं उसमें से अधिकतर ऋग्वेद में से भी लिए गए हैं। वेदों में देवों की और प्रकृति के विविध ऊर्जाएं हैं, शक्ति हैं, पावर्स हैं, तत्व हैं, उनकी स्तुति की गई है। ऐसे बड़ा प्यारा उषा सूक्त है, उगते हुए सूर्य की जो वेद ने, ऋषियों ने स्तुति की। नदी सूक्त है, अग्नि सूक्त है, ऐसे प्रकृति के जो वायु सूक्त है, वरुण सूक्त है, पर्जन्य सूक्त है, पर्जन्य अर्थात बारिश वर्षा। वैदिक साहित्य के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। ब्रह्म की व्याख्या करने वाले ये ग्रंथ हैं, इसलिए ब्राह्मण माने जाते हैं। विशेष करके कर्मकांड का चिंतन ब्राह्मण ग्रंथों में किया गया है। यज्ञ की, सकाम उपासना, जीवन में कोई समस्या हो तो उस समस्या को दूर करके सुख, संपत्ति, समृद्धि, शांति, उन्नति कैसे प्राप्त हो, इसकी पूरी मीमांसा ब्राह्मण ग्रंथों में है। वेदों में जो कर्मकांड प्रतीकात्मक रूप में दर्शाया गया है वो पूरा कैसे करना है उसका विवरण ब्राह्मण ग्रंथों में है, कि कौन सी विधि के समय वेद का कौन सा मंत्र उच्चार किया जाना चाहिए, उस यज्ञ की विधि क्या है, कब करना चाहिए, उसकी फलश्रुति क्या होगी, ये सब ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा है। प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। देवताओं की उपासना, उनके अनुष्ठान आदि समझ ब्राह्मण ग्रंथों में दी गई है। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण हैं,
ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण है, तैत्तिरीय उपनिषद उसी का हिस्सा है। शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है और सामवेद में तांड्य ब्राह्मण है, षडविंश ब्राह्मण है और अथर्ववेद का एक गोपथ ब्राह्मण है। समय जैसे जैसे बीतता जाता है, मैं क्रोनोलॉजिकली आपको ये सब समझा रहा हूं। सबसे पहले वेद श्रुति, फिर आए ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद आए आरण्यक। आरण्यक अर्थात लिटरली वानप्रस्थाश्रमी लोग। समय ऐसा था उस समय कि 50 वर्ष हो गए, ऐसा माना जा रहा था कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम है, 26-27 वर्ष की आयु में विवाह हो जाएगा, 50 वर्ष की उम्र में आप पहुंचोगे तो आपका पुत्र पुत्री बड़े हो जाएंगे, उसका ब्याह भी हो गया है, पुत्र का भी विवाह करा लिया है, पुत्र ने जो भी व्यवसाय हो, खेती हो, व्यापार हो, जो भी व्यवसाय हो स्वीकार कर लिया है, समझ जा आपने उसको समझा दिया है, तो फिर 51वां वर्ष हुआ उसको वन प्रवेश कहते थे। 51-52 वन प्रवेश अर्थात वर्ष में 6 महीना घर पे रहो, 6 महीना वन में रहो, आश्रम में रहो। आज लोग आश्रम में जाते हैं तो भी पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं और रिटर्न टिकट लेके जाते हैं। हफ्ते भर के लिए जाए तो भी अपने आप को धन्य मानते हैं, क्या हाँ एक सप्ताह हम रह कर आए, 6 महीना वन में रहना है। ये जो वानप्रस्थी लोग थे और सन्यासी भी, उनकी जो चर्चा है, उनके जो संवाद है, ये आरण्यक ग्रंथ कहलाते। ब्राह्मण ग्रंथों में जो बाकी रह गया है विषय, यज्ञ किया, अब वानप्रस्थी ब्राह्मण भी होंगे तो उसने अपने जीवन के अनुभव की बात करेंगे कि हमने ये वह यज्ञ किया था, उसमें कभी एक विघ्न आ गया था तो उस विघ्न को कैसे दूर किया, ये यज्ञ इस तरह से किया तो हमें परिणाम अधिक अच्छा मिला, ये सब चर्चाएं आरण्यक ग्रंथों में आती है। तो उसमें कर्मकांड तो है ही, लेकिन साथ में तत्व चिंतन और ज्ञान कांड का समन्वय है आरण्यक ग्रंथों में। ऋग्वेद के जैसे दो ब्राह्मण ऐतरेय और कौशितकी थे, ऐसे दो आरण्यक भी उसी नाम से, कौशितकी और ऐतरेय, ये ऋग्वेद के दो आरण्यक हैं। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण भी तैत्तिरीय था, आरण्यक भी तैत्तिरीय है। शुक्ल यजुर्वेद का बृहदारण्यक है, मेरा अत्यंत प्रिय है। और सामवेद का तलवकार आरण्यक है और उसके बाद वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उसके बाद आता है उपनिषद। समय की दृष्टि से देखो तो उपनिषद बाद में आए, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से, उसकी डेप्थ की दृष्टि से, उसकी गहनता की दृष्टि से देखो तो उपनिषद में विचार का, ज्ञान का शिखर प्राप्त होता है, मूर्धन्य अवस्था पीक पर पहुंचा। मैक्स मुलर जैसा विद्वान कहते हैं और कई डॉयसन और नाम आप लोगे, और ये उपनिषदों का जो समय काल है वो मिनिमम 10,000-12,000 वर्ष पहले का है, और ये मोस्ट कॉन्जर्वेटिव एस्टिमेट में देता हूं। पश्चिम की यूनिवर्सिटी के संशोधकों ने जो चिंतन करके बिल्कुल क्लिनिकल अप्रोच से मोस्ट कॉन्जर्वेटिव एस्टिमेट दिया, क्योंकि कहने वाले तो लाखों वर्ष भी बताते हैं, मोस्ट साइंटिफिक, मोस्ट रैशनल, लॉजिकल, ऐसा जो माना जाए। भगवान कृष्ण 5,300 वर्ष पहले,
भगवान श्री रामचंद्र 9000 वर्ष पूर्व और ये जो साहित्य उससे पहले है, क्योंकि रामायण में, महाभारत में, इन सब में इसका उल्लेख है। इसका अर्थ वो महाभारत और रामायण से भी पहले है, 10 से 12 हजार वर्ष पहले। पश्चिम के लोगों तो पहले समझ में नहीं आया कि आज से 10-12 हजार वर्ष पहले के मानव के बुद्धि इतनी विकसित इस हाइट पर। दे आर सिंपली अमेज्ड अबाउट दिस। परम सीमा है ये। तो वेद का अंत जहां हुआ, इसलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। और अंत का अर्थ केवल एंड हो गया वो नहीं, शिखर पर पहुंचा, अपनी उच्चतम अवस्था पर पहुंचा, इस अर्थ में वेदांत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो कहते हैं कि ये उपनिषद साहित्य के नींव पर ही भारतीय अध्यात्म साहित्य या तो धर्मशास्त्र जो कहें वो उसी के ऊपर सारे मकान बने हैं। उसकी नींव जो है वो उपनिषद है। उत्कृष्ट चिंतन है उपनिषद का। जो थिंकिंग है वो देश काल के बंधन से पर है। उपनिषद के विचारों को सांप्रदायिकता भी नहीं, धर्म में सब संप्रदाय आएंगे लेकिन उपनिषद का जो थिंकिंग है उसमें कोई सांप्रदायिकता नहीं है। भगवत गीता भी जो हमें प्राप्त हुई है उसका स्रोत, ओरिजिन उपनिषद है। भगवत गीता के महात्म्य में बड़ा सुंदर श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। ये गीतामृत जो है, दूध है अमृत जैसा, वो दुहा कहां से? दूध यदि है तो गाय चाहिए ना, ये गाय सब उपनिषद है। सर्वोपनिषदो गावो, सारे उपनिषद मानो गाय हैं। भगवान कृष्ण ग्वाला है और पार्थ रूपी बछड़े के लिए, वत्स के लिए, अर्जुन रूपी बछड़े के लिए उन्होंने यह उपनिषद रूपी गाय को दुहा है, जिससे हमें गीतामृत प्राप्त हुआ है। भारत में जितने भी आचार्य हुए, जितनी भी परंपराएं हुई, वो सारी दर्शन परंपराओं की नींव, उनका रूट्स उपनिषदों में प्राप्त होता है। उपनिषद शब्द का अर्थ समझे। सबसे प्रसिद्ध जो उसका समास विग्रह होता है उपनिषद, उप नी सद, उप का अर्थ है समीप, नजदीक। बार बार हमने इसकी चर्चा की, उपवास भगवान के नजदीक, तो उप समीप, नी नम्रता से विथ ह्यूमिलिटी, और सद, सद का सीधा साधा अर्थ है बैठना। तपस्वी, ज्ञानी, तेजस्वी, ब्राह्मण, ऋषि के पास नम्रता से बैठना। और अधिकतर उपनिषद संवादात्मक है, तो अपने प्रश्न पूछना और ऋषि जो उत्तर प्रदान करेंगे वो उपनिषद बनते हैं। इट्स अ डायलॉग, संवाद। इस ज्ञान से मनुष्य अपने विशुद्ध स्वरूप को समझता है और परमात्मा को समझता है, अपनी और परमात्मा की एकता को समझता है। इसलिए उपनिषद जो है ना, ये ब्रह्म विद्या है।
ये हमारा मूल रूप है। उपनिषदों का अध्ययन करना इसका अर्थ अपने आप को समझना। जैसे दर्पण के सम्मुख आप खड़े रहते हो तो क्या करते हो, स्वयं को देखते हो। ठीक इसी तरह उपनिषद के अध्ययन के द्वारा हम स्वयं को समझने का प्रयास करते हैं। टू स्टडी उपनिषद्स इज टू स्टडी द सेल्फ, द प्योर सेल्फ। दूसरा उपनिषद, सद धातु के तीन मुख्य अर्थ है, हिंसा, गति और अवसादन। हिंसा का अर्थ नष्ट करना। क्या नष्ट करता है उपनिषद? अविद्या को नष्ट करता है, अज्ञान को नष्ट करता है। सद धातु का दूसरा अर्थ है गति। गति का अर्थ है लक्ष्य, ध्येय, प्राप्त करना। क्या प्राप्त कराता है उपनिषद? एक्चुअली ये भी मैं कराता है बोलता हूं, क्योंकि हमने व्यावहारिक भाषा में, हिंदी में कहो, गुजराती में कहो, तो उपनिषद केवू, गुजराती में नान्यतर जाति कहते हैं, हिंदी में उपनिषद कैसा, मस्कुलिन जेंडर में। लेकिन संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से देखोगे तो उपनिषद कैसी ही आता है। संस्कृत में उपनिषद फेमिनिन जेंडर है। मां है ना, गाय के रूप में जो दूध दिया जिसमें से भगवत गीता रूपी दूध प्राप्त हुआ वो मां है, तो इसके लिए वो फेमिनिन जेंडर में है। क्या प्राप्त कराता है? ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कराता है उपनिषद। उपनिषद्यते प्राप्यते ब्रह्म विद्या अनया इति उपनिषद। या तो उपनिषादयति ब्रह्म गमयति इति उपनिषद। गति भी कराता है, ब्रह्म की ओर कराता है। और सद धातु का तीसरा अर्थ है अवसादन करना। अवसादन अर्थात ढीला करना, शिथिल करना। क्या शिथिल करता है उपनिषद? संसार के बंधनों को शिथिल करता है, ढीला करता है। अब इन तीनों का समन्वय करें तो संसार के बंधनों, सबसे पहले तो अज्ञान अविद्या का नाश करके, संसार के बंधनों को शिथिल करके ब्रह्म के प्राप्ति करा दे, उसको कहते हैं उपनिषद। रहस्यमय ज्ञान है। गुरु के पास बैठकर जो पाया जाता है वो उपनिषद है। गुजराती के एक बहुत बड़े विद्वान कवि हुए, गुजराती मीडियम में भणेला ने खबर हशे, नाना लाल, बड़े विद्वान कवि, उन्होंने व्याख्या दी कि संस्कृत में, गुजराती में, हिंदी भाषा में भी एक शब्द है, हम सब जानते हैं, परिषद। परिषद किसको कहते हैं? कॉन्फ्रेंस। बहुत सारे मिले, विधान परिषद, 500 लोग बैठे हैं, तो परिषद का अर्थ होता है कॉन्फ्रेंस, जहां बहुत सारे लोग मिलकर कुछ विचार विनिमय करते हैं। उपनिषद क्या है? विचार विनिमय तो है, लेकिन छोटा समूह है। ऋषियों ने कभी उपनिषद के प्रवचन हजारों की भीड़ के बीच में नहीं किए, गिने चुने कुछ लोग, क्योंकि विषय भी ऐसा है, मनोरंजन का विषय तो है नहीं, जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास है, इसलिए चुने हुए, सिलेक्टेड, जो भाग्यशाली होते हैं उनके साथ मिलकर किया हुआ मंत्रों का चिंतन ये उपनिषद है। हमें
हम जो उपनिषद का अध्ययन करने जा रहे हैं, अच्छा टोटल तो 112 उपनिषद ऐसा माना जाता है, उसमें 100 कुछ लोग कैसे, एक तो 8 हैं, मुख्य उपनिषद 10 हैं, ईशो उसमें भी, ये ईशो उपनिषद का स्थान सबसे पहले है, ईशो उपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, श्वेताश्वत्रोपनिषद, मंडुकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ऐतिरेयोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, याद है ये 10 मुख्य उपनिषद माने जाते हैं। ईशावास्य उपनिषद, महर्षि याज्ञवल्क्य, महाभारत में कथा आती है कि अपने गुरु वैशंपायन के पास उन्होंने यजुर्वेद सीखा। कथा के डिटेल में नहीं जाता हूं, लेकिन गुरु शिष्य में कुछ मतभेद हुए तो वैशंपायन ने कहा कि मैंने जो तुम्हें सिखाया है यजुर्वेद मुझे वापस दे दो। कहा जाता है कि महर्षि याज्ञवल्क्य ने जो यजुर्वेद सीखा था उसकी उल्टी कर दी, वमन कर दिया, वो कुछ तीतर वहां पर थे उन्होंने वो चुगा और उन्होंने जो पाया ना वो तैत्तिरीय उपनिषद बना। तैत्तिरीय उपनिषद की बात आएगी तब डिटेल में समझाऊंगा। महर्षि याज्ञवल्क्य ने जो वमन कर दिया वो कृष्ण यजुर्वेद कहलाया और याज्ञवल्क्य जी ने पुनः वेद का सर्जन किया। कैसे सर्जन तो नहीं, क्रिएटर तो नहीं हो सकते क्योंकि वेद तो अपौरुषेय है। उन्होंने सूर्य की उपासना की और सूर्य के पास से 15 मंत्र उनको प्राप्त हुए और उन 15 मंत्रों से फिर ऋग्वेद के कुछ मंत्र ऐसा विस्तार करके उन्होंने यजुर्वेद की रचना की और महर्षि याज्ञवल्क्य ने जो यजुर्वेद की रचना की वो शुक्ल यजुर्वेद कहलाया। जो वमन किया वो कृष्ण यजुर्वेद और इन्होंने जो बनाया वो शुक्ल यजुर्वेद प्रवर्तन किया उसका, और उसकी भी वाजसनेयी शाखा जिसका मैं उसकी संतान हूं उस परंपरा के। तो स्वाभाविक है महर्षि याज्ञवल्क्य के प्रति मेरे अंतःकरण में बहुत आदर है। बृहदारण्यक उपनिषद भी अतिशय प्रिय है, मेरी कथाओं में अपने बार बार ये बृहदारण्यक उपनिषद, याज्ञवल्क्य उनकी दो पत्नियां मैत्रेयी और गार्गी के बीच में जो संवाद होता है ये आपने सुना होगा, बड़ा सुंदर है वो। यह शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता के कुल 40 अध्याय हैं, उसमें पहले 39 अध्यायों में केवल कर्मकांड है, कर्म की विभावना है, जीवन को धन्य बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए जो अनुष्ठान उपाय करने होते हैं वो सब पहले 39 अध्याय में बताए गए और ये अंतिम 40वां अध्याय है वो ईशावास्य उपनिषद। इसका नाम भी इसीलिए पड़ा क्योंकि प्रथम मंत्र का प्रथम जो शब्द है वो ईशावास्यम है, इससे इसका नाम ईशावास्य उपनिषद पड़ा है। यजुर्वेद का यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता के जो 39 अध्याय हैं वो सारे कर्मकांड के मंत्र पूजाओं में, यज्ञों में, अनुष्ठानों में उपयोग में आते हैं, वो कई बार आपने सुने होंगे, लेकिन
ईशावास्य उपनिषद के मंत्र हैं वो अनुष्ठान में नहीं या यज्ञों में नहीं बोले जाते, क्योंकि वो कर्मकांड का अंग नहीं है, वो ज्ञान कांड का अंग है। ये स्पष्टता श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में की है, मैं वो आपको पढ़ के सुनाऊं। ईशावास्य मित्यादयो मंत्रः कर्मस्विनियुक्ताः कर्मस्वविनियुक्ताः कर्मसु अविनियुक्ताः। कर्मयोग कर्म में उनका विनियोग नहीं है, क्यों? तेषाम अकर्मशेषस्यात्मनो याथात्म्य प्रकाशकत्वात्। क्योंकि ये जो मंत्र है वह यथा आत्म्य प्रकाशकत्वात्, वो तो आत्म प्रकाश करते हैं, आत्मज्ञान के मंत्र हैं ये। कैसा है? याथात्म्यम च आत्मनः शुद्धत्वापापविद्धत्वैकत्व नित्यत्व नित्यत्वा शरीरत्व सर्वगतत्वादि वक्ष्यमाणम्। जो आत्मा यथार्थ स्वरूप उसका शुद्धत्व है, निष्पापत्व है, एकत्व, नित्यत्व, अशरीरत्व और सर्वगतत्व है, उसी का वर्णन ईशावास्य उपनिषद में है। तच्च कर्मणा विरुध्येतेति युक्त एवैषां कर्मस्वविनियोगः। और ये सारी बातें कर्म से विरोध हैं, क्यों? क्योंकि आत्मा किसी कर्म का परिणाम नहीं है। ये बहुत ध्यान से सुनना प्रिय सुन। संसार की लौकिक बातें आप कर्म से प्राप्त कर सकते हो, बिल्कुल सीधी बात है। कर्म से क्या प्राप्त, पुरुषार्थ से क्या प्राप्त कर सकते हो? जो आपके पास न हो वो आप कर्म करके प्राप्त करो। मेरे पास ये घड़ी नहीं थी कुछ समय पहले, और मुझे घड़ी की आवश्यकता थी, तो क्या किया? कर्म किया, कर्म करके कुछ संपत्ति अर्जन की, और जो संपत्ति अर्जन की उससे मैं ये वस्तु ले आया। तो कर्म से क्या मिलता है? जो पहले हमारे पास नहीं होता वो कर्म करके पाया जाता है। भूख लगी, भोजन मेरे पास नहीं है तो कुछ कर्म करना पड़ेगा, और कुछ नहीं तो मेरे लिए भोजन तैयार रखा हुआ है, फिर भी वो भोजन करने का कर्म तो करना पड़ेगा। नहीं सिंहस्य सुप्तस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। मैं केवल भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है बोलते बैठा रहूं तो रोटी सब्जी या कोई भी भोजन मुंह में नहीं आने वाला है, उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। ये याद रखिएगा, कर्म से वो ही मिलता है जो पहले हमारे पास नहीं था। लेकिन जो पहले से हमारा है, हमारे पास है, अरे हम स्वयं है, वो कर्म से कैसे पाओगे? क्योंकि कर्म करने के लिए तो बाहर निकलना पड़ता है, स्वयं से दूर जाना पड़ता है। आत्मा कोई निर्माण करने की वस्तु नहीं है। द सोल इज नॉट टू बी क्रिएटेड, वो तो है ही। हम पूरे विश्व को बना सकते हैं, स्वयं को बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो जो आपका विशुद्ध स्वरूप है आत्मा, उसको बनाओगे कैसे? यू कैन नॉट क्रिएट इट, यू कैन नॉट प्रोड्यूस इट। तो क्या है उसको? तो केवल जानना है कि मैं हूं, दैट्स इट। कर्म की उठापटक करने जाओगे तो और भटकोगे। टू नो इज टू बी, केवल जान लेना पर्याप्त है। ईशावास्य उपनिषद इसलिए इन ये जो मंत्र हैं वो कर्मकांड में प्रयुक्त नहीं होते, ऐसा श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी का आदेश है। चलिए,
भूमि का निर्माण हो गई, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या अध्ययन कर रहे हैं, तो इस भूमिका के साथ ग्रंथ में प्रवेश करें। एक अंतिम बात कह दूं प्रिय स्वजन, आज के युग में मुझे अधिक की आवश्यक लगती है कहने की, क्योंकि विधर्मियों के द्वारा जो स्वयं को यह दिव्य सनातन संस्कृति की संतान नहीं मानते हैं, तो वे भी लेकिन मानते नहीं, जिन्होंने धर्मांतरण कर लिया किसी न किसी डर के मारे, लालच के मारे, किसी न किसी कारण से 50 साल पहले, 100 साल पहले, 500 साल पहले, और वह जो पूरी एक मानसिकता निर्माण हुई है कि स्वयं को आर्य संस्कृति से भिन्न समझना, इतना ही नहीं आर्य संस्कृति का, उनके ग्रंथों का विरोध करना, इस मानसिकता को कोई सही दिशा प्राप्त हो शायद ये सुन के, ये शुभ भावना से मैं ये प्रसंग कहने जा रहा हूं आपको। इतिहास है, आप संशोधन करके, प्रामाणिकता से संशोधन करके देख लीजिए। मुगल शासन जो भारत पर रहा, उससे पहले कुछ लोडी था, अलग अलग थे, लेकिन वही जो विदर्भियों का शासन रहा, बाबर, उसके बाद अकबर, शाहजहां, जहांगीर, आगे पीछे होगा तो मुझे क्षमा कर देना, औरंगजेब, और औरंगजेब का, औरंगजेब तो अत्यंत जनूनी था, उसने तो बहुत मंदिरों का ध्वंस किया है, और ये औरंगजेब इतना धर्म जनूनी था लेकिन उसका पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र दारा शिकोह, उसको वेदों से, उपनिषदों से इतना आकर्षण था, इतना आदर था, और सच पूछो तो परंपरा वहां भी ऐसी थी कि बड़ा पुत्र राजा बनेगा। यदि औरंगजेब के बाद दारा शिकोह दिल्ली के तख्त पर बैठता तो प्रिय स्वजनों, ये पिछले 500-600 वर्ष की भारत की इतिहास कुछ अलग होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दारा शिकोह की हत्या की गई, उसको मार डाला गया, और बड़ी बुरी तरह से उसको मारा है, उसके भाइयों ने ही मारा। दारा शिकोह सन 1640 कश्मीर में था, औरंगजेब ने उसको सौंपा था कि वहां का विस्तार तुम देखो। राजा ऐसा बादशाह करते थे, राजा थे तब राजकुमारों को 3-4-5 राजकुमार है तो विभाग सौंप के रखते थे कि हाँ तुम्हें देखना। 1640 में औरंगजेब कश्मीर, दारा शिकोह कश्मीर में था। एक एक शब्द आते हैं प्रिय स्वजनों, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब सोचता हूं तो अंतःकरण में वेदना होती। 1640 बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, 500 वर्ष से भी कम वर्ष हुए। उस समय कश्मीर भारत के कुछ ज्ञान के केंद्र माने जाते थे, उसमें कश्मीर केंद्र स्थान में था। तक्षशिला एक तरफ, दूसरी तरफ नालंदा बिहार में, कश्मीर विद्वानों का, कश्मीर के ब्राह्मणों को, उनकी सरनेम जो बाद में होगी, कश्मीर के ब्राह्मणों को पंडित ही कहा जाता था।
आज परिस्थिति ऐसी है कि कश्मीर में पंडित ढूंढते हुए नहीं मिलते, विस्थापित किए गए हैं सब। मेजॉरिटी वहां पर कश्मीर में विद्वान ब्राह्मणों की थी, पंडितों की थी। दारा शिकोह ने कश्मीर के पंडितों, विद्वान ब्राह्मणों के पास से उपनिषदों की महिमा सुनी। अध्ययन करने की इच्छा हुई। पचास जितने उपनिषदों का दारा शिकोह ने पर्शियन में अनुवाद करवाया पंडितों के पास, 50 जितने उपनिषदों का। यह जो पर्शियन ट्रांसलेशन 1640 में शुरू हुआ, 1657 अर्थात 17 वर्षों तक चला यह प्रोजेक्ट दारा शिकोह का। 50 जितने उपनिषदों का पर्शियन में अनुवाद कराया। वो पर्शियन ट्रांसलेशन बाद में एंक्वेटिल ड्यूपेरो नाम का एक विद्वान यूरोप का, उसने लैटिन में किया भाषांतर, और 1802 में पेरिस में उसका उसने पब्लिकेशन किया। पूरी एक सदी से अधिक वर्ष लग गए पर्शियन से लैटिन में होते हुए। यह लैटिन में जो भाषांतर था वो शोपेनहावर ने पढ़ा, और शोपेनहावर उपनिषदों का ये ट्रांसलेशन पढ़ के इतना प्रभावित हुआ कि स्वाभाविक रूप से उसके मुख से शब्द निकल पड़े कि उपनिषदों का ये वांचन अध्ययन मेरे जीवन का मुख्य आश्वासन है और मेरे मृत्यु के समय का भी मुख्य आश्वासन वही रहेगा। शोपेनहावर के बारे में ऐसा कहा जाता है, उसकी बायोग्राफी में है कि उपनिषद का ग्रंथ वो हमेशा अपने सिरहाने पर रखता था तकिए के पास। जब भी आंख खुले पहला दर्शन उपनिषद का, पहला पठन उपनिषद का, शोपेनहावर। प्रिय सुजनों, यही परंपरा में जो पहले मैंने कहा दारा शिकोह का पिता औरंगजेब के शाहजहां, हाँ ताजमहल बंधा है, और औरंगजेब ने उनको बंद कर दिया। मुझे ये शाहजहां और जहांगीर में थोड़ा आगे पीछे का होता है कि कौन किसका पुत्र ये था। नहीं, जहांगीर पहले कि जहांगीर ने बंद कराया। शाहजहां बनाया तो ये ताजमहल तो शाहजहां ने बनाया ना, हुमायूं तो पहले हो गया, वो तो हुमायूं अकबर गए उसके बाद में। शाहजहां और जहांगीर में आगे पीछे कौन है? हाँ, जहांगीर पहले आए बाद में शाहजहां, और शाहजहां ने ताजमहल बनाया तो फिर औरंगजेब ने शाहजहां को, हाँ औरंगजेब ने ही तो किया, शाहजहां को वहां बंद करके जमुना के उस पार। जब ताजमहल देखने भी जाते तो बताते कि वहां जो लाल किला है वहां उसको कैद में रखा था एक छोटे से कमरे में, कि जहां से शाहजहां देख सके केवल, और वहां बेचारा वेदना व्यक्त करता था कि मैंने ये बनाया छोटी सी खिड़की में से। और शाहजहां ने कहा है औरंगजेब के लिए कि तेरे से तो हिंदू श्रेष्ठ हैं कि अपने मरे हुए पितरों को भी जल प्रदान करते हैं, तर्पण करते हैं, और तू अपने जिंदा बाप को भी पानी नहीं पिलाता। ये शाहजहां के शब्द हैं, उसकी बायोग्राफी में लिखे हुए। इतना उसको औरंगजेब को कोसा है उसने। तो जहांगीर, शाहजहां के ऊपर जहांगीर, जहांगीर के गुरु थे पंडित जगन्नाथ, जिन्होंने गंगा लहरी लिखी। पंडित जगन्नाथ गंगा जी के परम भक्त थे, गंगा लहरी उन्होंने लिखी है। बाद में पंडित जगन्नाथ, अब जब जहांगीर के गुरु बने तब जगन्नाथ जी का यौवन था, युवावस्था थी, और ये तो 20-25 साल में बेचारे फटाफट बेटा ही बाप की मारता था और गद्दी पर बैठ जाता था,
तो बेटा 25-30 साल का हुआ कि बाप को मारा या तो कैद में बंद किया, वो खुद बैंड बनने था दादा बादशाह, या ऐसा ही चला है। दारा शिकोह के भी गुरु पंडित जगन्नाथ बने, और उस समय पंडित जगन्नाथ की आयु बहुत हो गई थी, फिर भी प्रिय स्वजनों में सब इतिहास कह रहा हूं, संशोधन की ये कहानियां नहीं बता रहा हूं। आदर के साथ दारा शिकोह की बहन पंडित जगन्नाथ जी के साथ उसका ब्याह विवाह कराया गया था। हमारे यहां कन्यादान ये श्रेष्ठ दान माना जाता है। आजकल की नई पीढ़ी कन्यादान शब्द से भी इतराती है, हमारा कन्यादान मत करो, हम दान में देने की चीज है। अरे जरा शब्द तो समझो क्या है। तो अत्यंत आदर पूर्वक विद रिस्पेक्ट कि इतनी पीढ़ियों से, 3-4 पीढ़ियों से आप हमारे गुरु हैं, आपने हमें मार्गदर्शन किया है, औरंगजेब की पुत्री और दारा शिकोह की बहन का विवाह पंडित जगन्नाथ जी के साथ करवाया गया था दक्षिणा के रूप में, उम्र में बहुत फर्क था फिर भी वो कराया था। दारा शिकोह भी पंडित जगन्नाथ जी के सानिध्य में रहकर भगवती मां गंगा का प्रेमी बन गया था, उसे भी गंगा नदी के प्रति बहुत आदर था, प्रेम। दारा शिकोह खुद संस्कृत सीखा था और उसने संस्कृत में एक श्लोक लिखा है गंगा के लिए, भगवती मुनि कन्ये तारये पुण्यवंतः सतरति निज पुण्ये तत्र किंते महत्वम् यदि हयवन जातम् पापी माम पुनात् पुनीहि तदुभवति महत्वम् तन्महत्वम् महत्वम्। दारा शिकोह कहता है भगवती मुनि कन्ये तारये पुण्यवंतः, हे मुनि कन्या भगवती मां गंगे, तारये पुण्यवंतः, पुण्यवंतों को तो तुम तारती हो, भवसागर से पार करा देती हो। सतरति निज पुण्ये तत्र किंते महत्वम्, ये जो सतलोक है महापुरुष हैं उनके तो कर्म ही इतने अच्छे हैं, उनके तो अपने पुण्य हैं कि वो तो अपने बल पे तैर जाते, तुम उनको तारती हो, इसमें आपका क्या महत्व गंगा। पुण्यवानों को तारना हो तो ऐसे उनके पुण्य का बल है। यदि ह यवन जातम पापी माम पुनीहि, यदि यदि इह इफ यदि का अर्थ है इफ इह, इस भारतवर्ष में यवन जातम यवन के वंश में मेरा जन्म हुआ है, मैं पापी हूं, उसको यदि पुनीहि उसको यदि तुम पवित्र करो, तदुभवति महत्वम तन महत्वम महत्वम, तो फिर तुम्हारा महत्व सिद्ध हो। जो सनातन वैदिक परंपरा में जन्म लिए हैं, मां तुम्हारे प्रति श्रद्धा बचपन में जिनके हृदय में है, जो पुण्य कर्म करते हैं, भगवान राम कृष्ण शिव मां भगवती की उपासना करते हैं, वो तो अपने पुण्यों के बल पर भव सागर में पार कर जाएंगे। लेकिन दारा शिकोह कहता है मैं तो यवन कुल में उत्पन्न हुआ हूं, पापी हूं मैं, मां गंगा यदि मुझे तुम पार करो तो आपके महत्व को मैं मानू। ये कितनी श्रद्धा से कहा होगा दारा शिकोह ने, देखो कितनी अपनी मर्यादा कि मैं यवन, पछतावा हो रहा है उसको कि भारत वर्ष में मेरा जन्म हुआ लेकिन यवन वंश में हुआ, सनातन वैदिक संस्कृति में हिंदू धर्म में नहीं हुआ मेरा जन्म, ये दारा शिकोह कह रहा है। और प्रिय स्वजनों ये इतिहास है, पढ़ लीजिए आप, ये केवल सनातन वैदिक हिंदू धर्म की महत्ता बनाने के लिए गढ़ी हुई कहानियां नहीं है, इतिहास है। प्रिय स्वजनों दारा शिकोह जिसने 50 उपनिषदों का पर्शियन में अनुवाद कराया, उस पर्शियन से लैटिन में गया, लैटिन से फिर
यूरोप की अलग अलग दूसरी भाषाओं में अनुवाद हुआ और इतने ये लोग प्रभावित हुए हैं। आइए इस ईशावास्य उपनिषद का अध्ययन हम आरंभ करें। प्रथा ऐसी है कि उपनिषद का जब अध्ययन करें तो आरंभ में और अंत में शांति पाठ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए मैं समझाता हूं। प्रत्येक उपनिषद का अपना शांति पाठ होता है, मंत्र होता है। कई उपनिषदों में आरंभ में अलग मंत्र है, अंत में अलग मंत्र है, लेकिन ईशावास्य उपनिषद जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं उसका आरंभ और अंत दोनों में एक ही मंत्र है। आइए बहना शैला के सुंदर कंठ में और शुद्ध उच्चार में शांति पाठ का मंत्र एक एक चरण बहना शैला बोलेगी, उसके बाद हम अनु उच्चार करेंगे, दोहराएंगे हम। इच्छा ऐसी है कि शांति पाठ का आरंभ करें, उससे पहले थोड़ा सा भगवान नाम संकीर्तन करें और फिर शांति पाठ पर जाएं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री लक्ष्मी नारायण देव की, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीहरिनारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्रीनारायण नारायण नारायण, बद्रीनारायण नारायण नारायण, श्रीहरिनारायण नारायण नारायण, श्रीहरि नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीहरिनारायण नारायण नारायण, श्रीहरिनारायण नारायण नारायण, बद्रीनारायण नारायण नारायण।
नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 स्वामी नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए शांति पाठ एक एक चरण। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते वैदिक परंपरा के अनुसार जब भी किसी वेद मंत्र का अध्ययन करें उच्चार करें और वो हमारे लिए कल्याणकारी बने ऐसी अभिलाषा हो तो मंत्र के ऋषि देवता और छंद को जान लेना आवश्यक है। उसके उच्चार के बिना कर्मकांड में तो ऐसा कहा गया है कि उसका जो मंत्र के ऋषि देवता और छंद का ज्ञान न हो और उच्चार न करे तो वो मंत्र उच्चार करने वाला अधपतित होता है, खड्डे में गिरता है। श्री सुक्तम के आरंभ में भी मैंने श्री सुक्तम के ऋषि देवता और छंद की चर्चा, क्योंकि श्री सुक्तम भी वेद का अंग है। पूज्य श्री भाई चैनल पर है श्री सुक्तम, आप पांच पांच प्रवचन है शिविर जो की थी निरल में उसके, उसमें पहले दिन का प्रवचन सुनना आपको पता चलेगा, पहले दिन या तो दूसरे दिन जब भी आरंभ किया होगा श्री सुक्तम का। और कुछ लोग इतने ध्यान से सुनते हैं, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में हमारे डॉक्टर हैं, बड़े ध्यान से सभी प्रवचन नियमित रूप से सुनते हैं, कभी कभी उनका फोन भी आता है संशय पूछने के लिए, तो कई बार तो मुझे कहना पड़ता है कि इस समय व्यस्त हूँ बाद में, तो बड़ी शांति से, हाँ कोई चिंता नहीं बाद में अनुकूल का, लेकिन
डॉक्टर प्रशांत राणी का नाम है उनका। भगवान की बहुत कृपा है, अच्छे हैं, डेंटिस्ट हैं, ध्यान से सुनते हैं। तो श्री सुक्तम का तो अनुष्ठान उन्होंने ये समझ के किया। फिर एक दो कुछ और पाठ करते थे तो मुझसे पूछा, गुरुजी इनके अभी बताइए आप कि ये सुक्त जो मैं बोलता हूँ उसके ऋषि कौन है, देवता कौन है, छंद कौन से। ईशावास्य उपनिषद के प्रिय स्वजनों, नारायण ऋषि हैं। अब यूं देखो तो नारायण नाम के कोई ऋषि नहीं मिलते, नारायण भगवान तो हैं, लेकिन वैदिक साहित्य में नारायण नाम के कोई ऋषि हों तो माना गया कि ये ऋषि ऐसे होंगे जिन्होंने अपना नाम प्रकट करना नहीं चाहा, और इसलिए जैसे कोई बड़ी बड़ी रकम का दान करते हैं और कहें कि अरे आपने इतना बड़ा दान किया, लाओ हम आपका नाम अनाउंस करेंगे, नहीं नहीं कोई नाम, राम भरोसे, या एक भगवत भक्त की ओर से, एक वैष्णव की ओर से अच्छा डोनेशन दिया है, लेकिन नाम की अभिलाषा नहीं है, कोई भूल से भी अहंकार ना आ जाए सावधान रहना चाहते हैं, इसलिए अपना नाम अनाउंस नहीं करा। ये ऋषि ऐसे होंगे, कितना अद्भुत उपनिषद उन्होंने प्रवर्तमान किया, लेकिन नाम अपना नहीं रखना चाहते। पूछा होगा कौन, नारायण नारायण नारायण, तो ऋषि नारायण। और दूसरा कहा जाता है दध्यंग आथर्वण। दध्यंग आथर्वण इसलिए कहा जाता है, मानने भी आती है बात, दध्यंग आथर्वण यदि कहूं तो आप कनेक्ट नहीं पकड़ पाओगे शायद, लेकिन उन जो विशेष रूप में जो पहचाने जाते हैं या तो उनके परिवार में उनके वंश में हुए, दधीचि ऋषि। श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में जिनकी कथा है कि देवताओं को जो प्रताड़ित कर रहा था, परेशान कर रहा था, ऐसे वृत्रासुर को मारने के लिए भगवान ने जब कहा कि दधीचि मुनि के अस्थि में से वज्र बनाकर इंद्र यदि इससे युद्ध करे वृत्रासुर से तो वो मरेगा, वृत्रासुर मरेगा। और जब इंद्र गया देवों का कार्य करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए, ये दधीचि ऋषि ने अपने अस्थि दे दिए, जिन अस्थि में से वज्र बना करके इंद्र ने वृत्रासुर को मारा है। और ये स्थान आज भी है, नैमिषारण्य के पास दधीचि ऋषि का कुंड है और दधीचि आश्रम है। अभी को जिसका नाम बदल गया है, मतलब दधीचि के जुड़ा हुआ है लेकिन अपभ्रंश होकर के प्राकृत भाषा में, थोड़ा तो मुझे याद नहीं रहा है, लेकिन हमारे बजरंग भाई से पूछूंगा, बजरंग महाराज से तुरंत बता देंगे। नैमिषारण्य में हनुमानगढ़ी में जो कथाएं अपनी हुई, तो वहां के जो महंत हैं मेरे प्रिय, मेरे भ्राता समान बजरंगदास जी, वहां ले भी गए दो बार, मुझे दो तीन बार वहां पर दर्शन कराए उन्होंने दधीचि। तो दध्यंग आथर्वण ये ईशावास्य उपनिषद के ऋषि हैं, देवता परमात्मा है, क्योंकि उसी उन्हीं की प्राप्ति करनी है। और छंद, दो छंद हैं यहां पर, अनुष्टुप और त्रिष्टुप। पहले 13 मंत्र जो हैं वे अनुष्टुप मंत्र हैं, इसलिए पहले 13 मंत्रों तक देखिए आप उच्चार करने में बड़ी सरलता रहती है। टोटल 13 मंत्र, पहले 13 नहीं, 18 में से 13 मंत्र अनुष्टुप मंत्र हैं, 5 मंत्र त्रिष्टुप हैं,
और उसमें विशेष आठवां मंत्र और सोलहवां मंत्र ये त्रिष्टुप हैं, लेकिन विस्तरित गुजराती में फंटायला त्रिष्टुप के एक्सटेंडेड त्रिष्टुप हैं। इसलिए देखिए आठवां मंत्र भी उच्चार हम करते हैं तो कविर मनीषी परिभु स्वयं भूहु यहां रुकते हैं, फिर याथा तथ्यतोर्थान व्यदधाच्छाश्वती व्यः समाभ्यः, ये विस्तरित त्रिष्टुप हैं और वही बात सोलहवें मंत्र में होती है तीसरे और चौथे चरण में। तेजो यत्ते रूपम कल्याण तमम, यहां भी रुक सकते हैं आप, तेजो यत्ते रूपम कल्याण तमम, वहां पर देखे पूषण ने कर्षे यम सूर्य तो उसी मीटर से जाओगे, तेजो यत्ते रूपम कल्याण तमम तत्ते पश्यामी योसावसौ पुरुषः सोहमस्मि, ये विस्तरित त्रिष्टुप है छंद इसके ईशावास्य उपनिषद के, ऋषि देवता और छंद आ गए। एक बात और भी कह दूं प्रिय स्वजनों की ईशावास्य उपनिषद एकमात्र ऐसा उपनिषद है जिनको आर्य समाज में श्रद्धा रखने वाले लोग भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि आर्य समाज की एक मान्यता है केवल वेद, बस गो बैक टू वेदास, बाकी किसी को स्वीकार नहीं करते, ओनली वेद। तो बाकी के सारे उपनिषद तो जैसे हमने बताया वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आए, आरण्यक आए, फिर उपनिषद आए, और आर्य समाज तो कहेंगे वेद के सिवा और कुछ नहीं, तो वे दूसरे उपनिषदों को स्वीकार नहीं करते, लेकिन ईशावास्य उपनिषद उनको स्वीकार करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो वेद का ही अंग है। यजुर्वेद की वादसनेयी शाखा का अंतिम 40वां अध्याय वही है, तो वो उनको स्वीकार करना पड़ता है। साइज की दृष्टि से देखें प्रिय स्वजनों तो ये जो महत्वपूर्ण मुख्य उपनिषद है उनमें सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद, इसमें 12 मंत्र हैं, कारिकाएं उसकी बहुत हैं लेकिन मंत्र 12 हैं, और भगवान आदिशंकराचार्य जी ने अद्भुत कारिकाएं उस पर लिखी हैं। ओमकार का वर्णन मांडुक्य उपनिषद में किया गया है। उसके बाद लेंथ में देखें तो ईशावास्य उपनिषद आता है जिसमें 18 मंत्र हैं। भारतीय संस्कृति में 18 की महिमा बहुत है। भगवद गीता के अध्याय 18, महाभारत के पर्व 18, महाभारत का युद्ध चला कितने दिन 18, महाभारत में सेना कितनी थी टोटल दोनों पक्ष में मिलकर 18 श्रेणी, बहुत सारा 18 18 18। ईशावास्य उपनिषद के 18 मंत्र हैं, और यू मानो तो एक एक मंत्र मानो भगवद गीता के एक एक अध्याय का बीज है। शांति पाठ क्यों आवश्यक? जैसे कोई भी शुभ कार्य करें उसके आरंभ में मंगलाचरण करते हैं, ठीक इसी तरह वेदांत का जब अध्ययन किया जाए तो आरंभ में और अंत में शांति पाठ का विधान है। शांति पाठ करने से क्या होता है? सबसे पहले शांति पाठ करने से अर्थक ज्ञान सुलभ और सरल होता है, क्योंकि शांति पाठ करें उसमें भी अंत में 3 बार हम बोलते हैं ना, ओम शांति ही शांति ही शांति ही, तो ये 3 प्रकार की शांति है, आधिदैविक आधिभौतिक और आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार की शांति, या तो आधि व्याधि उपाधि उसकी शांति, और इन सब चर्चा में पहले के प्रवचनों में कर चुका हूं,
आज ये कहूं ये तीन प्रकार की शांति, सबसे पहले तो तन की शांति जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। कहा जाए कि उपनिषद पढ़ना है 3 घंटे तन को स्थिर रख के शरीर को बैठना है 3 घंटे, कुर्सी पर बैठे सोफा पर बैठे तो भी पैर जरा इधर उधर ऊपर नीचे, थोड़ा समय मिले तो चक्कर मार के बाहर से। शरीर को स्थिर रखना लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है। यहां तन की शांति, आध्यात्मिक दृष्टि से कहें तो स्थूल शरीर की शांति, प्यास होना चाहिए। दूसरा मन की, तन जब शांत होगा तो मन शांत होगा। तन यदि शांत नहीं है तो मन को शांत करना तो बड़ा मुश्किल है। एक महात्मा जी के पास से मैंने सुना है मजाक में कि कुछ लोग नीचे भी बैठे होते हैं ना तो भी ऐसे 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 घूमते रहते हैं। ऐसे बैठ के फिर ऐसे थोड़ी थोड़ी ऐसे घूमते रहे, नीचे थोड़ी धनिया और मिर्ची रख दो तो 3 घंटे के बाद चट चटनी तैयार हो जाएगी। ऐसे वो जैसे वो पत्थर होता है ना, वो चटनी अर्थात वो चटनी खाएंगे भी वो, और तो कोई नहीं खाएगा। लेकिन तन स्थिर होना चाहिए तो मन स्थिर हो। तन स्थूल शरीर शांत हुआ उसके बाद मन सूक्ष्म शरीर उसको शांत करना है। कई बार बाहर से दिखता है कि व्यक्ति शांति से बैठा है लेकिन उसके मन में तो तूफान चला, झंझावात हो रहा है, और उसका परिणाम क्या है ये मुझे व्यासपीठ से बताने की आवश्यकता नहीं है। सभी को अनुभव, बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो होगा ही, कि मन में जब तूफान चलता है तो क्या होता है। मन की शांति, और तीसरी स्थूल शरीर कारण शरीर सूक्ष्म शरीर, और तीसरी कारण शरीर बुद्धि चित्त की शांति, वो जब आए तभी आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करने की पात्रता सिद्ध होती है। अब ये शांति 3 बार चाहिए हमेशा, जहां पर भी हमारे ग्रंथों में है। अब कहीं पर भी देखो शांति पाठ में, भारतीय संस्कृति ने वेदों ने हमेशा 3 बार कहा ओम शांति ही शांति ही शांति। पता नहीं आजकल कहां से कुछ लोग ओम शांति 1 ही बार बोलते हैं। इसका अर्थ ही वो या तो केवल वो शरीर की शांति चाहते हैं, मन बुद्धि होगी ही नहीं तो मन बुद्धि होती तो 3 बार से 1 बार क्यों लाते। ये वो 1 बार जो ओम शांति बोलते हैं ना वो आपको भटका रहे हैं, आपके केवल शरीर को बहका देंगे, ना आपके मन को वो ठीक कर पाएंगे ना आपकी बुद्धि या चित्त को वो ठीक कर पाएंगे। और समाज तो अंधा है, किसी ने 1 बार कह दिया तो लोगों को तो शॉर्टकट चाहिए ऐसे ही, तो सब लोग वो 3 बार की ओम शांति बोलने के बजाय ओम शांति 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 बोलने के बजाय ओम शांति। आजकल खास ये व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं भी किसी की मृत्यु हो गई समाचार आए तो उसके नीचे सब लोग ओम शांति, अरे 3 बार लिखो ओम शांति ही शांति ही शांति ही। 1 बार शांति लिखना अपराध है, अज्ञान है, अधूरा है वो। ऐसे अधूरे लोगों के पीछे मत जाओ, पूर्ण के पीछे चलो। तो प्रिय स्वजन इतना याद रखना, कभी भी ओम शांति 1 बार मत बोलना, वो गलत है, शास्त्र के विरुद्ध है वो। 1 बार ओम शांति बोलना, 3 बार होना चाहिए ओम शांति ही शांति ही शांति ही।
तभी वो पूर्ण होता है। त्रिसत्यम। वैसे भेड़ बकरियों की तरफ किसी के पीछे मत भागना जो भी आपको बहका रहा हो। वचन लो लो आज, कभी भी एक बार ओम शांति नहीं बोलोगे, और जो बोलेगा उसको भी कहो तीन बार बोल, तेरे में अक्कल नहीं है, हम उपनिषद के आधार पर तुम्हें अक्कल दे रहे हैं, शास्त्रों के आधार पर तुम्हें सिखा रहे हैं। तुम आजकल आए हो एक बुदबुदे की तरह, कल फूट जाओगे। हजारों वर्षों की जो दिव्य परंपरा है, ऋषि परंपरा है, वो तीन बार ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अब मेरे कोई भी मैसेज इसमें कभी ये ओम शांति एक बार नहीं फिर सुनो देखोगे, तीन बार। तो सबसे पहला मन को, शरीर को और चित्त बुद्धि को शांत करने के लिए, इससे ये ब्रह्म विद्या सुलभ बनती है। दूसरा अर्थ, शांति पाठ करने से पाप भस्मीभूत होते हैं। शांत और प्रसन्न चित्त, प्रसन्न मन ही उद्वेग रहित, उत्पात रहित बनता है, जो तत्व साक्षात्कार के लिए अत्यंत आवश्यक है। तीसरा, कर्म शांति के लिए भी आरंभ में और अंत में शांति पाठ करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में, स्कंद पुराण अंतर्गत जो महात्म्य है, उसके छठे अध्याय के 59वें श्लोक में लिखा, विरक्तश्चित भवेत् श्रोता गीता वाच्या परे हनि, गृहस्थश्चित तदा होमः कर्तव्यः कर्म शांतये। भागवत की कथा आप करो, उसमें आपने देखा होगा अंतिम दिन यज्ञ होता है, क्योंकि महात्मा में कहा है ये कर्म की शांति के लिए। गृहस्थी ने यदि भागवत कराई है तो उसके कर्म की शांति के लिए यज्ञ करना चाहिए, और सन्यासी ने यदि भागवत कथा का आयोजन किया है तो उसको ये कर्म शांति के लिए भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, करवाना चाहिए पारायण। अब आप पूछोगे भागवत कथा की वो अपने आप में संपूर्ण नहीं है, वो कर्म की शांति करनी पड़ती है वापस यज्ञ के द्वारा। क्या भागवत कथा कोई उग्र कर्म है? शांति कब होती है? कोई गुस्से में आ गया हो, कोई क्रोध में, तो उसको कहें भाई शांत हो जाओ शांत हो जाओ। क्यों ऐसा? प्रिय स्वजनों, हमारे शास्त्रकार कितने मन को गहराई से जानते थे ये देखिए। उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत में जो विविध कथाएं आती हैं उसमें कितने सारे दैत्यों का वध किया गया है। आप स्वयं भागवत कथा तो आपने कई बार सुनी है, याद कीजिए, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, वेन, वृत्रासुर, अभी अभी जो कहा हिरण्यकशिपु 7वें स्कंद में, 10वें स्कंद में तो लाइन लगा दी है भगवान श्री कृष्ण ने, पूतना से शुरू करके तृणावर्त, बकासुर और कितने कितने, कंस, शिशुपाल, ये सबको जो वध किया जाता है, और वो जो प्रसंग आता है कथा में नव रस है उसमें, जब राक्षसों का वध होता है तो रौद्र रस आता है। मेरी कथा में आपने सुना होगा तीसरे दिन कथा के अंत समय जब भगवान नृसिंह प्रकट होते हैं और हिरण्यकशिपु का वध करते हैं, कितना आक्रोश, क्योंकि वो अवतार ही ऐसा है, रौद्र स्वरूप है।
ग्रंथ में वो रस है। वक्ता यदि ग्रंथ में मग्न होकर के वह नव रस को प्रकट करके कथा का वर्णन करे, जो महर्षि व्यास का हेतु है, तो वक्ता में भी रौद्र रस आ जाता है उस समय। और ग्रंथ का वो रौद्र रसमय वर्णन वक्ता रौद्र रूप प्रकट करके करे, वह श्रोता तन्मयता से श्रवण कर रहा हो, तो श्रोता के अंतःकरण में भी हिरण्यकशिपु कंस इत्यादि सभी राक्षसों का वध होता है, वो रौद्र रस वहां भी प्रवेश करता है। उस रौद्र रस की शांति के लिए होम या तो गीता पाठ की आवश्यकता है। प्रश्न पूछा, भाई चलो ये बात तो समझ में आ गई, श्रीमद् भागवत की कथा सुनो तो ऐसे, रामायण की कथा सुनो तो भी उसमें अंतिम दिन यज्ञ है, क्योंकि उसमें भी रावण कबंध बहुत सारे राक्षस रामायण में भी मारे जाते हैं। वेदांत का जब हम अध्ययन करें, उपनिषदों का अध्ययन करें, तो उसमें तो कोई ऐसी कथाएं है नहीं कैसे किसी राक्षस को मारा, इसको मारा, उसको वध किया, कुछ है नहीं ऐसा। तो उपनिषद के अध्ययन के आरंभ में और अंत में क्यों शांति पाठ? महापुरुष ने बताया, आध्यात्मिक दृष्टि से यदि देखो तो हम सभी के अंतःकरण में जो अज्ञान है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि जो विकार हैं, वे ही राक्षस हैं। इसलिए उन कथाओं का आध्यात्मिक अर्थ गठन करते समय कहते हैं ना, कालिय नाग को मारा, कालिय क्रोध का प्रतीक है, ये राक्षस को मारा, ये इसका प्रतीक है। और उपनिषदों के वेदांत के अध्ययन में तो साक्षात वे ही दुर्गुणों को, ये विकारों को ही नष्ट किया जाता है। ये रौद्र कर्म है, ये उग्र कर्म है। उस उग्र कर्म की शांति के लिए चित्सुखाचार्य जी ने कहा कि प्रमाण नख निर्भिन्न महामोहामरामये महामोहामरारये नमस्कुर्मो नृसिंहाय स्वप्रकाश चिदात्मने। यहां भगवान नृसिंह है ना, वो आत्मज्ञान रूपी स्वप्रकाश है, चिदानंद स्वरूप। प्रमाण नख निर्भिन्न, भगवान नृसिंह के जो नाखून है वो प्रमाण है। वेदांत की जब चर्चा होती है तो प्रमाण दिए जाते हैं, प्रूफ दिए जाते हैं, ये प्रूफ रूपी नाखून सिंबॉलिकली, उससे क्या होता है, महामोहामरारये अमर अरि, अमर देवता उनके अरि शत्रु तो दैत्य हुए, उनको मारने के महामोह रूपी जो ये दैत्य हैं उनको मारा जाता है। कौन मारता है? नमस्कुर्मो नृसिंहाय, चिदानंद रूपी आत्मज्ञान रूपी जो भगवान नृसिंह है वो अपने प्रमाण रूपी नाखून से मोह माया इत्यादि अज्ञान को नष्ट करते हैं। तो ये उग्र कर्म हुआ, इसलिए वेदांत के अध्ययन के बाद भी और पहले भी शांति कर्म करना चाहिए, शांति पाठ होना चाहिए। तीसरा कर्म शांति जो कहा ना, उसका एक दूसरा अर्थ है, कर्म में तीन प्रकार के दोष आते हैं, स्वाभाविक दोष, प्रमाद से आने वाले दोष और परेच्छा से आने वाले दोष, दूसरे की इच्छा से जो दोष आते हैं। संक्षेप में समझ ले, स्वाभाविक भूल कौन सी है, दोष हम सब जानते हैं, मनुष्य मात्र भूल के पात्र, मनुष्य है तो उससे भूल होती ही है, जानते हुए या अनजाने में, चाहे कितना भी प्रयास करो कुछ
कुछ न कुछ तो भूल रहेगी, मंत्रोच्चार करते समय उच्चार में कुछ दोष रह गया। अब हम चाहते नहीं थे कि वो दोष करें, लेकिन हो जाता है। दूसरा, प्रमादवश असावधानी के कारण गुरु जो उपदेश कर रहे हैं उसका अनर्थ करना, विरुद्धार्थ करना, विपरीत अर्थ करना, केवल अपनी जो मान्यताएं हैं मस्तिष्क में बैठी हुई उसी के आधार, नहीं हम तो ये मानते हैं, ये जो बता रहे हैं वो गलत है, नहीं ये बता रहे हैं वो हमने नहीं, वी डोंट एग्री। अरे आप श्रवण करने बैठे हो या परीक्षा करने बैठे हो, ये सब दोष माना गया है। विपरीत अर्थ करना, गुरुदेव उपदेश कुछ करें लेकिन सामने वाला समझे कुछ अलग ही। गुजराती में एक कवि हुआ अखो, छप्पा लिखा, छप्पा क्या चाबुक है मानो, उस समय की जो अंधश्रद्धा कुरिवाज चलते थे उसके ऊपर चाबुक लगाई उसने। कुछ छप्पा बहुत प्रसिद्ध है, शर्मिलातन यादर्श स्कूल में अपने, एक मूर्ख ने एवी टेव पत्थर इतला पूजे देव, तुलसी देखी तोड़े पान, पानी देखी करे स्नान। अथा का एक मूर्ख को ऐसी, अब मूर्ख पहले शुरुआत में कह दिया उसको, एक मूर्ख को ऐसी आदत, पत्थर इतला पूजे देव, जितने पत्थर उतना भगवान। क्योंकि स्वार्थ दृष्टि होती है ना, कहीं से किसी से अपना काम हो जाए। कुछ लोग कहते हैं ना, सोमवार को ये मंदिर में, मंगलवार में दूसरे मंदिर में, बुधवार को तीसरे मंदिर में, गुरुवार को चौथे मंदिर में। अब हम जो सनातन धर्म के हैं वो सनातन धर्म के देवताओं में जाओ तो ठीक, कुछ लोग तो कहीं चद्दर चढ़ाने, कहीं मोमबत्ती जलाने, कहीं कुछ, अपना काम होना चाहिए। ये मूर्खता है। और याद रखना, ऐसी दौड़ धूप करने से, ऐसी उठापटक करने से, ऐसे सब जगह जाने से कहीं के नहीं रहते वो लोग। क्योंकि किसी भी कार्य की सफलता के लिए श्रद्धा चाहिए। जैसे वो डांग के आदिवासी की कहानी में आपने कहा ना, श्रद्धा फेथ। ये अलग अलग जगह जा रहे हो, उसका अर्थ कि आपको कहीं पर भी फेथ नहीं है, आपका स्वार्थ केवल पूरा होना चाहिए। तो ऊपर वाला वो नहीं समझेगा कि आप तो केवल अपना स्वार्थ पूरा करने आए हो, आप कहां श्रद्धा लेकर आए हो। कार्य की सफलता में श्रद्धा मूल होती है। तो ऐसी दौड़ धूप बेकार की बंद कर देना। कई जगह तो ऐसी हैं, पता नहीं वो अंदर दबे हुए को क्या ठंड लग रही है, आप इतनी चद्दर चढ़ा रहे हो, जो है ही नहीं, अब तो मिट्टी हो गया होगा अंदर तो। और जिनको जाना चाहिए वो लोग कम जाते हैं, हमारे लोग भागते हैं ज्यादा। दया आती है ऐसे लोगों के ऊपर, पहले क्रोध आता था अब दया आती है। तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई, सर पे रुमाल बांध के पगले लोग, हजार हाथ वाला अत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त सच्चिदानंद रूप पूर्ण परब्रह्म परमात्मा, जो रूप में आप उनकी भक्ति करते हो, श्री कृष्ण, श्री राम, भगवान गणेश जी, महादेव, मां भवानी, जगदम्बा, हनुमान जी, ये छोड़ के मुझे एक व्यक्ति ने पूछा था एक बार इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस में,
कि आप भगवान की मूर्तियों के सामने इतना प्रसाद नैवेद्य धराते हो, क्या उसको भूख लगी है? मैंने कहा वो तुझे बाद में समझाऊंगा, पहले तू मुझे बता, तुम चद्दर उठाते हो क्या उसको ठंड लगी है? चुप हो गया। मैंने कहा सामने बताना कभी, पहले ये चद्दर का तू मुझे उत्तर लेके आ, तब तक मैं तुझे बताता हूं प्रसाद क्यों कराते हैं। आज तक मुंह नहीं दिखाया उसने। शास्त्र है, हम क्यों नैवेद्य धराते हैं? पूरा यहां विषय नहीं है, मैं विषयांतर करना नहीं चाहता। असावधानी, मेरे कहने का आशय, हाँ अखो, एक मूर्ख ने एवी टेव पत्थर एटला पूजे देव, पानी देखी करे स्नान, जहां पानी देखा सीधा स्नान करने। मैंने देखा एक व्यक्ति, मुझे अखो इसलिए, बहुत वर्ष पहले, 15-20 वर्ष पहले, शायद मेरी पहली या दूसरी या तीसरी यात्रा थी कैलाश मानसरोवर की, उसमें एक आए थे, परिवार था पूरा, और बापू, छोटा भाई अमेरिका में, उनका बिजनेस था मोटल का, और उनके बड़े भाई यहाँ भारत में सौराष्ट्र में रहते हुए जमींदार जो होते हैं बापू उनको कहते हैं, ऐसे बड़ी बड़ी मूछे, चौड़ो बोइनो पेरेलो, 75-80 की उम्र, लेकिन गांव का शरीर, मेहनत कश, शुद्ध गाय दूध, गाय का दूध और घी खाया हुआ, तो 80 साल की उम्र दिखेगी नहीं आपको। माँ जी बेचारी, 8-10 बच्चे थे तो ऐसी हो गई थी, भाईडो तो मैं जुआ, तो पूरे ग्रुप में सबसे एक्टिव वो, सबसे उम्र वाले वो और सबसे एक्टिव वो, 80 साल। दूसरे लोगों को ठंड लगे वो तो ऐसे ही घूमे। हम पूछे बाबूजी आपको ठंडी नहीं लगती? बापू ठंडी ना रे ना आमा हूं ठंडी लागे, न ठंड लगे उसको, न उसको कोई तकलीफ, न उनको वो माउंटेन सिकनेस जो एक्लेमेटाइज करना पड़े उसको, कुछ नहीं, जो बोलो कमाल है। तिब्बत में जब, और पुराने रूट से जाते थे उस समय, नेपाल से जाकर के न्यालम और ये सब, रास्ते भी अच्छे नहीं थे उस समय, तो लोगों को वॉमिटिंग और ये सब सिकनेस आने लगती थी, सब अल्टीट्यूड सिकनेस। अब भवन काइन होता है, मजा तब आया 12-13,000 फीट की हाइट पर जब हम गए हिमालय न्यालम से भी ऊपर, फिर सरोवर आने लगे हिमालय के, वहां इतनी ठंड में जितने सरोवर आते वहां वो गाड़ी रुकवा के स्नान करते, जितनी नदियां क्रॉस करनी होती। और उस समय अभी तो बहुत डेवलपमेंट हो गया है, आप कैलाश मानसरोवर तिब्बत रूट से जाओ तो ब्रिजेस बन गए हैं, आपने तो देखा है। शुरुआत में गए बता आज, हाँ इतनी नदियां आए और नदियों के ऊपर पुल भी नहीं होते थे, तो या तो जीप, यदि शैलो वाटर एक बार देख लें कि पानी कितना है तो ऐसे ही निकल जानी, तो नाव आती थी, नाव के ऊपर जीप चढ़ा के एक 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 या दो दो जीप को क्रॉस कराओ पैसेंजर्स, तो एक नदी क्रॉस करने में 2-3 घंटे लग जाते थे, वो कठिन यात्रा हुआ करती थी। अभी कैलाश मानसरोवर की यात्रा इतनी कठिन नहीं है, अभी तो बहुत लग्जरियस हो गई, तो जित वो नदी क्रॉस करने में इतना टाइम लगता। बाबो बदी नदियों में नाए, सभी नदियों में स्नान, टूर ऑपरेटर बताता था, जो गाइड था वहां का तिब्बत का होता था कि मत करो ये अच्छा नहीं है, इतना चोरी छुपी से बेचारी वो, उनकी पत्नी बोलती रहे, लेकिन कौन सा पति जगत में है जो पत्नी की सुनता है? आप भाबो आंबड़े, एक ऐसी बड़ी आंख करके तो बेचारी चुप हो जाए। वो हम लोग सब मना करें तो कहीं थोड़े आगे चल के कहीं दूसरी जगह पे जाकर के स्नान करके वो भीगे केस ऐसे बांधते हुए आएंगे, मुंह तो ना ही आए वो। अब उनके मन में यही था कि कोई स्थान छोड़ना नहीं है, हिमालय में आए हैं बाद में कब आएंगे क्या पता,
और पूरा का पूरा वसूल करना था उनको। भगवान की कृपा, उनको कुछ हुआ भी नहीं, परिक्रमा भी उन्होंने की, सब कुछ किया और बड़े हट्टे कट्टे घर पे पहुंचे। कहने का आशय, अब अखा जैसा व्यक्ति होगा तो इनको कहेगा पानी देखी करे स्नान, जहां भी तालाब देखा, जहां भी कोई नदी देखी तो स्नान, और उनको समझते हैं हम धर्म कर रहे हैं। तुलसी देखी तोड़े पान, जहां भी तुलसी का पौधा देखा पान, उनको यही लगता है ये धर्म है। कुछ लोग होते हैं ना, रास्ते पर चलते हुए वो चार ईंटें रख दी गई, वो अंदर एक फोटो या दिया जला दिया, तो वहां भी ऐसा करेंगे। अरे वहां क्या भगवान, अर्थात भगवान सर्वत्र है, लेकिन ये इस रूप में रखना वो ईश्वर का अपमान है। रखने वाले ने किसी अपने स्वार्थ के कारण रखा है उसको, ये अर्थ का अनर्थ हुआ, दोष है, प्रमादवश होता है ये। अखानो दूसरे थे ना छप्पू पुलो बीजो, आंधळो ससरो ने शणगट वहु, कथा सांभळवा चाल्या सौ, कीधु कशु ने सांभळ्यु कशु, आंखनु काजळ गाले घस्यु। अंधा ससुर और शणगट वहु, शणगट का अर्थ नखराली, चंचल, अब वो करे वो ससुर तो बेचारा देखने वाला नहीं है, बहाना ससुर जी का है चलो कथा सुनने चलेंगे। और उस जमाने में गांव में दूसरे कुछ गैदरिंग तो होते नहीं थे, मेला लगता तो साल में एक बार, लेकिन कथा के प्रसंग दो तीन महीने में एक बार कहीं ना कहीं आ जाते थे, तो वो सोशल इवेंट की तरह समझ के बहू अपने ससुर, चलो बाबू जी आपको ले चलती हूँ, और वो तो बेचारा बैठा रहेगा आंख बंद कर, देखता ही नहीं, आंधड़ो ससुरो और ये चंचल बहू। कथा सांभळवा चाल्या सहु, कथा सुनने चले, अब ध्यान कथा में कहां है उसका, वो तो अपना एजेंडा लेकर आई है। कीधू कशु ने सांभळ्यु कशु, कहा कुछ सुना कुछ, आंखनु काजल गाले घस्यू, कज्जल जो आंख में लगाया जाता है वो गाल पे घिसा, ऐसा ये प्रमादवश दोष है, प्रमाद। और तीसरा जो दोष है कर्म का वो है परेच्छा, आप अच्छे हो आप सही हो, दूसरे की इच्छा, कोई आकर के आपको बुला गया, होता है ना कथा में, शांति से आके बैठ के कथा सुनते हैं, उसमें कोई बच्चा आके बैठा है या तो कोई दूसरा आके, चाबी कहां रखे, चाबी ये कहां रखा, उसमें आजकल जो कथाओं में चलता है नौटंकी, वो ड्रेस वाले सबको बनाना फैंसी ड्रेस, बहुरूपीय सबको, कोई कुछ बन रहा है कोई कुछ बन रहा है, तब कथा सुनने में तो ध्यान ही नहीं है, उसके लिए ये चाहिए लगाना है, उसको ये लगाना है, सेफ्टी पिन चाहिए सेफ्टी पिन, तो वो बेचारी जो एकाग्रता से कथा सुन रही है वो उठ के अंदर जाके सेफ्टी पिन, ये नौटंकी वाले के लिए, ये सारे दोष हैं प्रिय स्वजनों। इन कर्म दोषों की शांति हो इसलिए भी शांति पाठ आवश्यक है। और चौथा कहा, गुरु शिष्य में उपसर्गादि का शमन हो, उपसर्ग अर्थात संबंध में स्नेह विश्वास श्रद्धा या आदर का अभाव हो। कथा श्रवण जब कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, आदर होना चाहिए। ये यदि न हो तो वो दोष माना जाता है, और उस दोष के शमन के लिए शांति पाठ आवश्यक है। जैसे व्यवहार में आप पुत्र या पुत्री का विवाह करो तो विवाह से पहले गृह शांति करते हो, ये शांति जैसे होती है ग्रहों की, ऐसे जीवन में भी
परमात्मा के साथ एक रूप होना है, ईश्वर के साथ विवाह करना है, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कराना है, उसके पहले भी शांति पाठ आवश्यक है। शिष्य जब गुरु के पास से ज्ञान प्राप्त करे तो गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और आदर अत्यंत आवश्यक है। गुरु शिष्य को योग्य उपदेश तभी कर सकता है, जैसे शिष्य को गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, आदर होना चाहिए, ऐसे गुरु को भी शिष्य के प्रति स्नेह होना चाहिए। गुरु यदि शिष्य से प्रेम करता हो तो ही वो पूर्ण ज्ञान दे पाएगा, अन्यथा नहीं देगा। श्रीमद् भागवत में दो बार आया है, श्लोक रिपीट होते हैं, तीसरा चौथा चरण। ब्रूयुस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। पहली बार आरंभ में प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का आठवां श्लोक। नैमिषारण्य का यज्ञ चल रहा है ऋषि मुनियों का, और यज्ञ का कार्य हो गया, उसके बाद शौनक आदि ऋषि मुनि सुत पुराणी के पास आकर के कहते हैं, वेत्थत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयुस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युते। तुम्हारे पास जो भगवान का ज्ञान है वो हमें दीजिए, क्योंकि गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गूढ़ ज्ञान भी प्रदान करते हैं। प्रेमी शिष्य को, जिस शिष्य के प्रति प्रेम है उसको ज्ञान प्रदान करते हैं। और यही बात श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 13वें अध्याय के तीसरे श्लोक में ब्रह्मा जी की जो कथा है, ब्रह्मा जी के मोह का निवारण हुआ, वो कथा कहते समय शुकदेव जी परीक्षित से कहते हैं, श्रुणुष्वावहितो राजन्नपि गुह्यं वदामि ते ब्रूयुस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। तीसरा चौथा चरण वही आइडेंटिकल रिपीट हुआ। राजन एकाग्र चित्त से श्रवण करो, प्रभु की लीला अत्यंत रहस्यमयी है, अत्यंत गूढ़ है, फिर भी मैं तुम्हें कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि गुरु को जब अपने शिष्य के प्रति प्रेम होता है तो गुरु अपने सारे रहस्य शिष्य को प्रदान कर देता है। प्राचीन काल में और इवन अभी भी, जब तक शिष्य की योग्यता को न दिखे, न देख लें, परीक्षण न कर ले जब तक, तब तक गुरुजन गूढ़तम विद्याएं जो होती हैं, रहस्यमय विद्याएं होती हैं, वो अपने शिष्य को प्रदान नहीं करते। कभी प्रारब्धवश भी हो जाता है, कभी राग द्वेष के कारण भी हो जाता है। ये सारे उपसर्ग दूर करने के लिए अध्ययन से पहले मतलब आरंभ में और अंत में शांति पाठ, एक और कठोपनिषद का जो शांति पाठ है और दूसरे उपनिषदों में भी है, बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, आप सब लोग जानते होंगे, उसमें ये बात खोल कर बता दी स्पष्ट करके। शैला बहन मुझे पता है तुझे आता है ये, ओम सहना भवतु, बोलो। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, आप में भी कई लोगों को आता होगा। ओम सहना भवतु, सह नौ अवतु, कठोपनिषद का संधि पाठ, कठोपनिषद अपने YouTube चैनल पूज्य श्री भाई में है कठोपनिषद। ओम सहना भवतु, सह नौ अवतु, साथ में हम
अवतु हमारी रक्षा हो। सहनौ भुनक्तु, हम साथ में मिलकर जो अच्छी बातें हैं उसका आनंद लें, भोग करें। सहवीर्यं करवावहै, वीर्य का अर्थ है पराक्रम। हम साथ में मिलकर श्रेष्ठ कार्य, समाज को दूसरों को जो असंभव लगते हो, इम्पॉसिबल लगते हो, कभी कभी हमारा अपना शरीर कहता हो आलस वस छोड़ो ना, नहीं करना है, आज जरा लेट जाते हैं, एक दिन प्रवचन में नहीं गए तो क्या फर्क पड़ता है, पराक्रम से पीछे हटने की इच्छा होती है, नहीं, हम सब साथ में मिलकर पराक्रम करें। सहनौ भुनक्तु, सहवीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, नौ अधीतम तेजस्वी अस्तु, हम जो अध्ययन करें वो तेजस्वी हो, ज्ञान का प्रकाश हो उसमें। ये सब बातें कहने के बाद क्या कहा, मा विद्विषावहै, हम एक दूसरे का द्वेष न करें, क्योंकि एक वर्ग में है, कंपटीशन तो होती है, अब वो हेल्दी कंपटीशन हो तो अच्छी बात है, लेकिन हेल्दी कंपटीशन करने के लिए मन को तैयार करना पड़ता है एक पॉजिटिव लेवल पे। मनुष्य सहज या पशु सहज संवेदना है वो क्या है, जहां भी कंपटीशन आई तो वहां ईर्ष्या, द्वेष, तिरस्कार, ये अपने जैसा नहीं होता ऐसा है, उसकी टांग खिंचाई, ये सब द्वेष के प्रकार है। तो हमारे भीतर संभव है कोई अध्ययन को तुरंत ग्रहण कर लेगा, किसी को थोड़ी देर लगेगी, कोई तुरंत आचरण में लाएगा तो उसका जीवन यशस्वी होने लगेगा, किसी को और कुछ थोड़ा विलंब लग जाएगा, लेकिन यह करते समय हमारा एक दूसरे से द्वेष न हो। मां विद्विषाव है, और यह हुआ तो अगेन तीन बार शांति ही, ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। ये संभव है द्वेष, इसको कहते हैं अपसर्ग, तो ये न हो इसलिए आरंभ में और अंत में शांति पाठ का ऋषियों ने आग्रह रखा है। हमने भी शांति पाठ के मंत्र का उच्चार तो किया, अब अर्थ भी तो समझना पड़ेगा। ओम पूर्णमदः, अदः पूर्णः, यह पूर्ण है, यह अर्थात जो भी है वो ब्रह्म तत्व पूर्ण है। इदं पूर्णम्, इदं भी पूर्ण है, इदं अर्थात यह, अदह का अर्थ वह, यूजुअली अदह शब्द जो है ना वो जो दूर हो, जिसको पॉइंट करके दिखाया ना जा सके उसको अदह कहते हैं। जैसे यहां आप बैठे हैं और जापान की बात करनी है तो अदह विदेश, लेकिन वही समझो आप पृथ्वी का गोला या एटलस लेके बैठे हो और उस एटलस में, ग्लोब होता है ना पृथ्वी का, क्या हिंदी कोई शब्द है उसके लिए, नहीं लोग ऑफिस में घर में भी रखते हैं ग्लोब ही कहते हैं, तो अंग्रेजी कमेंट सेक्शन में लिखिए आ जाएंगे शब्द, देखो विश्व भर में लोग इतने एकाग्रता से सुनते हैं और तुरंत उत्तर भी देते हैं। तो पृथ्वी का जो गोला है उसके ऊपर यदि जापान दिखाओगे तो आप कहोगे इदम जापान, क्योंकि वहां उंगली दिखा सकते हो, लेकिन वो सामने नहीं है, कुछ नक्शा नहीं है, कुछ नहीं है, तो अदह, अदह और इदम में ये फर्क है। पूर्णम अदह, वह पूर्ण है, पूर्णम इदम, यह पूर्ण है। पूर्णात पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से ही पूर्ण प्रकट होता है, उदच्यते लिटरली जो सूर्य जैसे उगता है ऐसे प्रकट होता है। पूर्णस्य पूर्णम आदाय,
पूर्ण में से पूर्ण निकाल लो, बाद करो, कम करो, तो भी पूर्णम एव अवशिष्यते, पूर्ण ही एवं ही बचता है, शेष रहता है। प्रिय स्वजनों, ये वेदांत का जो मैथमेटिक्स है ना, वो बड़ा विशिष्ट गणित है। सबसे पहली बात तो अदह कहो और इदम कहो तो दोनों पूर्ण कैसे हो सकते हैं? अदह का अर्थ वह और इदम का अर्थ यह। पूर्ण यदि होगा तो कोई भी एक ही होगा। उसको यदि आप अदह और इदम में विभाजित भी करते हो तो पूर्ण टूटा। एक परब्रह्म जो सर्वव्यापी है, ओमनीप्रेजेंट, सर्वव्यापी है, सर्वगत है, तो वो पूर्ण है माना। लेकिन उसको वह कहो, इसका अर्थ कि आप यहां नहीं बता रहे हो उसको। जब अदह कहा तो इसका मतलब वो कहीं और है, यहां नहीं है। और वो यहां नहीं है तो फिर पूर्ण कैसे हुआ? और इदम यदि कहते हो तो इदम में ही पूर्णत्व का दो लूप हो जाता है। मैं इस पुस्तक को कहूं इदम तो इसका अर्थ है इसकी बाउंड्री फिक्स हो गई। ये पुस्तक अनंत अनंत फैला होता, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम विड्थ सब जगह पे, तो उसको इदम नहीं कह सकता था, तो वो पूर्ण था। लेकिन जिस क्षण हम कहते हैं इदम यह, तो उसकी मर्यादा आ गई। अदह और इदम दोनों पूर्ण कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं, यही वेदांत का गणित है। क्यों? क्योंकि ये अदह और इदम दो मानते हैं लेकिन दो है नहीं। दो मानना वही भ्रम है। यहां अदह से आप परब्रह्म तत्व बता रहे हो और इदम से अपने आप को बता रहे हो। वह भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है, तो वह और यह ये अलग लगते हैं। वो उसी अज्ञान को निवृत्ति करने के लिए, उसी अज्ञान को हटाने के लिए तो उपनिषद का अध्ययन है कि वह और यह अलग नहीं है। हम मानते हैं, और जो मानना ये भ्रांति है हमारी, ये इल्यूजन है। उस इल्यूजन को हटाने के लिए उपनिषद का प्रकाश चाहिए। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्ण में से पूर्ण प्रकट होता है और पूर्ण में से पूर्ण निकालो तो भी पूर्ण बचता है। ये चौथा जो है ना, तीसरा चौथा चरण, वो तो बिल्कुल लोगों की समझ में नहीं आता। क्योंकि हमारा संसार का गणित क्या कहता है? किसी में से भी थोड़ा सा भी निकाल लिया, समझो वो पूर्ण था, वो मान लिया, लेकिन उसमें से कुछ निकाला, पूर्णम आधा, पूर्ण में से पूर्ण निकाल लिया तो जीरो बचना चाहिए। किसी में, समझो आपके तिजोरी में कितना रखना है, बोलो बोलो बोलो, एक नंबर सो बोलो कोई, बस चलो। आपकी तिजोरी में शर्मिला कहती है 5 लाख रखे हैं, वो पैसे हो, रुपए हो, डॉलर हो, पाउंड हो, यूरो हो, वो शर्मिला जाने, 5 लाख रखे हैं। 5 लाख पैसे भी तो हो सकते हैं। 5 लाख आपने रखे तिजोरी में और आप कहो मेरी तिजोरी पूर्ण हो गई। उस 5 लाख में से
एक भी निकाला, अर्थात वो 5 लाख की पूर्णता टूटी। अब वो 4,99,999 हो गए, थोड़ा सा भी नहीं। और पूर्ण में से पूर्ण नहीं, 5 लाख रखे थे उसमें से 5 लाख निकाल लिए तो अंदर खाली हो गया। उपनिषद के ऋषि कहते हैं पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लो तो भी पूर्ण बचता है। ये कौन सा गणित है? ये अध्यात्म का गणित है प्रिय स्वजनों, ये अस्तित्व का गणित है। दो शब्द भगवत गीता के अष्टम अध्याय का चिंतन करते हुए मैंने केवल संदर्भ दिया था और कहा था कि इसकी विशेष स्पष्टता ईशावास्य उपनिषद में होगी, क्योंकि कनेक्शन तो है ही उपनिषद का और गीता का। और वो दो शब्द आपको केवल स्मरण करा दो, याद आ जाएगा। आप तो बहुत एकाग्रता से 8वां अध्याय सुनते हो, न सुना हो तो अब सुन लेना। उत्पादन और सर्जन, प्रोडक्शन एंड क्रिएशन। फैक्ट्री में उत्पादन होता है, अस्तित्व में सर्जन होता है। अस्तित्व कभी उत्पादन नहीं करता। भाषा के लिए हम कह दें वो बात अलग, लेकिन अस्तित्व की जो प्रोसेस है वो उत्पादन की प्रोसेस नहीं है, वो सर्जन की प्रोसेस है। और थोड़ा सा चिंतन हमने वहां पर उत्पादन और सर्जन में किया था। उत्पादन में एकरूपता है, यूनिफॉर्मिटी है, और उसी को क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। सर्जन में वैविध्य है, डायवर्सिटी है, और वो वैविध्य ही सर्जन का सौंदर्य है। फैक्ट्री में यदि आप मनुष्य का आकार बनाओगे तो एक डाई जो बनाई वो डाई यदि 5 अरब खिलौने बनाए तो वो 5 अरब एक समान होंगे, क्योंकि उत्पादन किया। भगवान मनुष्य का उत्पादन नहीं करता, भगवान मनुष्य का सर्जन करता है। और इसलिए कोई भी दो मनुष्य समान नहीं है। एक ही माता के गर्भ में जुड़वा बच्चे हो, 9 मास तक साथ में बड़े हुए, फिर भी जन्म जब होता है मां को पता चलता है ये बड़ा है ये छोटा है, कुछ न कुछ अंतर होता ही है। देयर इज नथिंग लाइक आइडेंटिकल ट्विंस, इट्स ऑलवेज nearly identical twins, absolutely identical हो ही नहीं सकते। ईश्वर कभी अपने आप को रिपीट नहीं करता, क्योंकि ईश्वर उत्पादन नहीं करता, ईश्वर सर्जन करता है। अरे मनुष्य के चेहरे मोहरे की बात छोड़ो, अंगूठे की डिजाइन भी समान नहीं होती, फिंगरप्रिंट्स। अभी संसार में है उतने लोग नहीं, अभी से पहले लाखों वर्षों में जितने मनुष्य आ गए और आने वाले जब तक संसार चलने वाला है वहां तक जितने लाखों करोड़ों मनुष्य आएंगे, कभी भी आपकी फिंगरप्रिंट केवल आपकी फिंगरप्रिंट है, इट्स यूनिक टू यू। मैं तो कई बार कहता हूं 1 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर का हुआ ये अंगूठा, फिंगरप्रिंट इतनी है ना। आप प्रैक्टिस करने के लिए कागज के ऊपर इतना सा स्क्वायर बनाइए, रिक्टेंगल, 1 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, और बारीक से बारीक नीब वाली पेन लेकर या बॉल पेन लेकर के आप उसमें डिजाइन बनाते रहें, कितनी बना पाओगे आप? 15, 20, 25, 50, 100, अरबों खरबों डिजाइन बनी इतनी छोटी सी जगह में भी, इतनी वैरायटी, पूरे शरीर की तो बात ही छोड़ो। और अभी मनुष्य चालाक बना,
वो फिंगरप्रिंट को इमिटेट करता है, तो साइंस उससे आगे चला। अब विश्व भर में आप ट्रैवल करो, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में वो आपको कहेंगे इधर कैमरा में देखो तो आप खुश होते हो, अरे वाह मेरा फोटो ले रहा, फोटो नहीं ले रहा वो आपकी आइरिस का इमेज ले रहा है, रेटिना की इमेज ले रहा है, आइरिस नहीं सॉरी, आंख के भीतर जो रेटिना है वो जो इंप्रेशन सभी की एक समान होती, सॉरी विविधता भरी होती, कभी वो समान नहीं होती। अब जरा छोट देखो इतनी छोटी सी आंख, उसका रेटिना कितना, पुरानी जो चवन्नी आती थी ना, या अमेरिका की पेनी सेंट, या ब्रिटेन की पेनी, इतना छोटा सा, उससे भी रेटिना छोटी होती, उतने से आकार में कितनी डिजाइनर बनाता होगा वो अंदर बैठ के, किसी की समान नहीं आती रेटिना। मैं तो जब ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाता हूं ना, लंदन में हमारे उमेश भाई हैं, उनकी क्लिनिक में बैठ पे बस उनके मशीन से यही खेलता हूं, वो ट्रीटमेंट करते हैं, मैं देखता रहता हूं इमेज, उमेश भाई जरा दिखाओ जरा और उसको लार्ज कर सकते हो, पहले ब्लैक एंड व्हाइट, अभी तो मशीन वहां इतने एडवांस हो गए कि कलर इमेज आती है। वंडरफुल फीलिंग, अपनी रेटिना के अंदर कौन सी डिजाइन है वो टीवी के इतने बड़े स्क्रीन पर देखना, ये अपनी आइडेंटिटी। तुम्हारा नाम बदल सकते हो, बाकी सब फॉर्जरी कर सकता है व्यक्ति, इसकी नहीं कर सकता रेटिना की। कैसा प्रभु का ये, प्रभु सर्जन करता है और पूर्ण में से पूर्ण निकाल लो। एक ही दृष्टांत दूं प्रिय स्वजनों इस सिद्धांत को समझने के लिए, एक स्त्री जब गर्भवती होती है, गर्भवती होने से पहले वह पूर्ण है, शी इज अ कंप्लीट वुमन, गर्भवती बनती है, शी बिकम्स प्रेग्नेंट, शी कंसीव्स, उस समय भी वह पूर्ण है, और 9 मास पूरे होने के बाद जब वो बालक को जन्म देती है तो उसमें से कुछ निकला कि नहीं निकला, यस, कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ 3.5 किलो 4 किलो कम हुआ, लेकिन वो बालक को जन्म देने के बाद क्या ये महिला अधूरी हो गई? नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी उसमें कुछ वृद्धि हुई, मातृत्व आया, पहले केवल महिला थी, स्त्री थी, अब वो माता बनी, और उस पूर्ण में से जो निकला वो 7.5 पाउंड का होता है ना, 7.5-8 पाउंड के आसपास का, वो 3.5 किलो का सैंपल, वो भी तो पूर्ण है, और वो भी जब बड़ा होगा तो पूर्ण होगा। गर्भावस्था के पहले भी वो पूर्ण, गर्भावस्था दरमियान भी वो पूर्ण, और पूर्ण बालक को जन्म देने के बाद भी ये पूर्ण। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब ये तो मैंने एक दिशा सूचन के लिए आपको दृष्टांत दिया, सृष्टि में देखो, अब आम की गुठली इतनी छोटी सी होती है, उस गुठली के अंदर पूर्ण आम का वृक्ष छिपा पड़ा है, उस गुठली को यदि बोया जाए, उसको पानी दिया जाए, ध्यान रखा जाए, तो आम का पूर्ण वृक्ष बनेगा, उस पूर्ण वृक्ष के ऊपर पूर्ण आम के फल लगेंगे, उस पूर्ण आम के फल के अंदर पूर्ण गुठली होगी, और उस गुठली को यदि फिर से बोया जाए, आम के वृक्ष पर से आपने फल हटाया कि नहीं हटाया, हटाया तो आम के वृक्ष का कुछ कम हो गया नहीं, और उस गुठली को फिर से आप भूमि में बोगे तो उसमें से फिर से पूर्ण आम का वृक्ष होगा। यह संसार का नियम है प्रिय स्वजन, और यही संसार का सौंदर्य है। पूर्णस्य पूर्णमादा, ब्रह्म में कभी कोई कमी आती ही नहीं,
किसान खेत में इतनी फसल बरसों हजारों बरसों से उगा रहे हैं, क्या पृथ्वी का वजन कम हो गया? कितने क्विंटल अनाज हम खा गए उस खेत में? नहीं तो सभी इतने सारे खेत सब खड्डे हो जाने चाहिए थे, नहीं होते। पूर्ण में से पूर्ण निकालो, पूर्ण ही बचता है। लेकिन प्रोडक्शन के लिए डायमंड निकालो तो डायमंड की, गोल्ड की, या कोयले की खदान या लोहे की खदान, वो सब प्रोडक्शन होता है, तो वो खदानें खाली हो रही हैं। लेकिन जहां सर्जन होता है वो खाली नहीं होता। मंत्र बड़ा प्यारा है, पूर्ण किया ऐसा दावा तो नहीं करता, यदि संभव होगा तो थोड़ा सा चिंतन इस मंत्र पर कल भी करेंगे शांति पाठ पर, या तो फिर उपनिषद में प्रवेश करके प्रथम मंत्र से कल आरंभ करेंगे। आज इतना ही। आप सभी के अंतःकरण में विराजमान पूर्ण परब्रह्म को मेरे पूर्ण प्रणाम। शांति पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव की जय। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम।